हेलो, ए, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना दूसरा टारगेट है बड़ा सेल्वा। क्या क्या कह रहे हो? हमारे मोहल्ले में कितने दिनों से चल रहा है? अगर ये सच है तो वो गया काम से, वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। चल फौरन। ए, ये क्या धीरे धीरे काम कर रहे हो? दो दिन हो गए, अब तक सिर्फ 50,000 रुपए छापे हैं, और तेज काम करना होगा। क्यों रे, आधे नोटों में गांधी जी का चश्मा आधा ही दिख रहा है भाई। ये सब वेस्ट है। अरे वेस्ट है तो जला देने चाहिए ना, जमा क्यों कर रहे हो? अबे शांति से काम नहीं कर सकते क्या? इडियट, ये किसका मोहल्ला है जानते हो ना? बड़े सेल्वा का मोहल्ला है। यहाँ की हर सांस से वो वाकिफ है। अगर उसे पता चल गया ना तो हम तो गए काम से। वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर जाली नोट छाप रहे हैं? नहीं भाई, तुम कहो तो उसे खत्म कर देता। तू क्या कर रहा है? कौन है तू? हाँ, अबे पूछ रहा हूँ कौन है तू? भाई मैं बताता हूँ, मेरा नाम दास है। इस मोहल्ले में पुलिस तंग नहीं करती ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट छाप रहा हूँ। भाई मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। गलती करना गलत नहीं है, तू मेरे बगैर ये काम कर रहा है ये गलत है। माफ कीजिए भाई, जो मैंने छापा है सब ले लीजिए, सिर्फ मेरी मशीन मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। कितना छापे हो तुम? 2 दिन में 50 लाख रुपए छापे हैं। लेकिन ये क्या है भाई? वाइन शॉप में दिया। वो सही नोटों को 4 बार देखता है, लेकिन ये नोट को देखते ही तुरंत छुट्टा दे दिया भाई, और कोई शक भी नहीं किया। भाई बहुत अच्छी मशीन है, खास इटली से मंगवाई है। अगर सत्य से दुश्मनी रखोगे तो मुर्दा हो जाओगे, ये जानते हो तुम? जानता हूँ भाई। लड़के लोग तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम ये मशीन छोड़कर भाग जाओ। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? अपनी जान प्यारी है तो भाग जा। ठीक है भाई, सुबह तक का वक्त दे दीजिए, मैं थोड़े और छापकर भाग जाता हूँ। सुबह मशीन के अलावा यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए, समझ गया? समझ गया भाई। ए, टिक्की में 10 लाख रुपए हैं, तुम इसको लाकर दे दो। सारे लड़कों का बंदोबस्त करो, सुबह तक यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, सब ओरिजिनल नोट है, जाओ और ऐश करो। ठीक है भाई, थैंक्स। बाप रे, 10 लाख रुपए वसूल करके हमको बेवकूफ बना दिया। ये तो रियल 420 है, ये सब नोट ओरिजिनल है भाई। सिर्फ नोट ही ओरिजिनल है, लेकिन मशीन पुरानी पक्की जेरोक्स मशीन है। इसको भंगार में बेचे तो 100 रुपया भी नहीं देगा। ओरिजिनल नोट को यहाँ वहाँ सैंपल के लिए लगाकर हमसे सारा पैसा लूट कर भाग गया भाई। मदुरई जाएंगे, लेकिन मदुरई आउटर पार कर लिया। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? वाह देखो। हाँ? बाप रे, जॉन पांडे और उसके भाई अलेक्स पांडे के बारे में तुम जानते हो? उसे अगर दूर से भी देख लिया तो हमारा वो बोटी बोटी कर देगा। कौन हो तुम लोग? भाई से मिलना है। क्यों मिलना है? एक जरूरी बात करने के लिए। दर्द हो रहा है ना? दर्द? वैसे मुझे भी दर्द होता है। मरो मरो। भाई मर गया, ये बहुत दुख की बात है, ये झेल नहीं पा रहा है। मैं मानता हूँ भाई, एमपी के लड़के को मार रहे हो, इसे हम पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। तुम्हें दे दिया तो क्या कर लेगा? एलेक्स, समस्या बड़ी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? इतनी छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है? जो मरा वो मेरा भाई था, हम दोनों का एक खून था। उसके मरने के बाद मैं हर पल तड़प रहा हूँ, और उसकी औरत मुझे छक्का समझ रही हो, जानते हो तुम? हैं? एलेक्स मेरी बात मत। मैं इस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को कुत्तों को खिलाऊंगा। आज तो हम जिंदा नहीं जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं 100 नंबर पे फोन करूंगा तभी बच सकते हैं। तू अभी चुप बैठेगा? ए, क्या चाहिए भाई? बहुत बिजी है,
कल आकर मिलना। नहीं, एक बहुत ही खास बात करनी है। ए, चुपचाप से निकल जा यहाँ से, बोला ना, जा यहाँ से। ए, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई नमस्ते भाई। भाई कुछ नहीं भाई, मैं सब संभाल लूंगा। ए, तेरे को जाने के लिए बोला ना, चल। ए, उसको आने दो। ठीक है भाई, भेजता हूँ। ए, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। चल जल्दी। बोल क्या बात है? भाई जॉन भाई मरने से पहले मेरे कारखाने में आए थे, कुछ काम करने के बाद सारा सामान मेरे कारखाने में रखे थे, हम दोनों की दोस्ती हो गई, फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, इसलिए। कितना दिया? 5 लाख रुपए भाई, बनाने के लिए 15 लाख रुपए लगेंगे ऐसा बोले थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए घर से अलग से भेजता हूँ, और उसके बाद मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए चला गया, वापसी पर पता चला वो चल बसे, तो अब ये पैसा भी मेरे किस काम का, इसलिए मैं ये पैसे आपको वापस देने के लिए आया हूँ, अगर आप लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये लीजिए भाई, मैं चलता हूँ भाई। चल यार चल। ए, हाँ भाई। तुम्हारा नाम क्या है? दास। तुम अच्छे लड़के लगते हो, वापस इधर मत आना, समझे? भाई आपसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जॉन भाई से बात कर रहा हूँ, मैं कभी कभार आपसे मिलने के लिए आया करूंगा, लड़कों को बोलिए मुझे आने देंगे। ठीक है, जाओ जाओ भाई। थैंक्स भाई। आजकल तो दुनिया में लोग जीते जी पैसा वापस करने की बात नहीं करते हैं, ये तो मरने के बाद भी खुद पैसा देने के लिए आया है, पागल हो गया है क्या? लगता है तो गया काम से। ए, उसको बुला रहे। ए, भाई बुला रहा है। भाई बुलाया क्या? ये पैसा उसको दे, ले लो ले लो। भाई अंदर से भी 10 लाख रुपए लाकर इसको दे दो, ये जीने का तरीका नहीं जानता, ऐसे मत समझना। वैसे दुकान का नाम क्या रखा है? भाई जॉन भाई का नाम रखा है। हाँ, किसी भगवान का नाम रखो। नहीं भाई, मेरे लिए तो जो रास्ता दिखाता है वही भगवान है, इसलिए मेरे लिए तो जॉन भाई भगवान है भाई। ये लो भाई। ठीक है चलो, मैं खुद तुम्हारी दुकान पर आकर रिबन काटूं, यही जॉन चाहता था। भाई मुझे आशीर्वाद दीजिए भाई। भाई जॉन भाई अब तक मरे नहीं है भाई, मैं चलता हूँ भाई, मैं चलता हूँ। ये भाई तेरे दुकान का पता? भाई शॉप नंबर 17 रंगनाथन स्ट्रीट टी नगर चेन्नई 17 भाई, मैं चलता हूँ भैया। ए चल। ए, क्या देख रहा है? हाँ? भाई ये एड्रेस तो जाने पहचाना लग रहा है, मुझे अच्छी तरह याद है। शॉप नंबर 17 रंगनाथन स्ट्रीट टी नगर चेन्नई 17। बॉस निकल गया है। अरे पहले तुम फेसबुक से साइन आउट हो और ऑफिस का काम शुरू करो, एमडी का आने का वक्त हो गया है, मोबाइल के फेसबुक में लगे रहते। हाय संध्या, कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स। टिश्यू पेपर से ये सब पूछना है, तुम समझ गई? कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये मेरा काम है, कैसे करना मैं जानती हूँ। ये भी मेरा काम है, मैं करता हूँ। ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं काम की बात कर रहा हूँ, आज रात में आओगी ना? आई मीन नाइट शिफ्ट में तुम आओगी ना? ए, 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 ए। बॉस का आने का वक्त हो गया है, लेकिन तुम मस्ती कर रहे हो, बॉस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूँ चीफ, आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ तेरी जान जाएगी, इन सबको भैंस की तरह संभालना पड़ रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। सारे बोर्ड मेंबर्स आ गए? हाँ सर, सब पहले से इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग तो 11 बजे की है ना? लेकिन वो लोग जल्दी आ गए हैं, तो उन्हें इंतजार करने दो। ठीक है, ओके सर। तीन कंप्लेन है सर चीफ के नाम। कंप्लेंट, वो भी एक ही सूप के नाम। सर जस्ट 1 आवर, वो भी नहीं रहेगा और ये सूप भी नहीं रहेगा।
सर मैंने नहीं लिया, लेकिन ये लोग। सर स्टेटमेंट एजेंडा तो लैपटॉप में है। सुब्रा, बोर्ड मेंबर्स का टेंपर कैसा है? अंदर तो बहुत गर्म है सर, आप अंदर अंडा बनकर जाए तो, बाहर मुर्गी बनकर आएंगे उतना गर्म है। हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिस इज द बैड मॉर्निंग मिस्टर रितेश, व्हाट इज दिस मीटिंग फॉर? सब मीटिंग में हमें जो बोलना था सब बोल दिया और वापस टाइम पे टाइम मांगते जा रहे हो। व्हाट इज द इन शॉर्ट ऑफ द बिग जीरो? आई बिलीव इट इज द टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सवाल पूछकर मार देंगे। हमारे स्टाफ के लिए हर महीना तनख्वाह देने के लिए बैंक का सहारा लेना पड़ रहा है। लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों ऐसे चलाना है पूछे तो, ये मेरा ख्वाब है। चाहती थी मकसद पूरा हो, सिर्फ बातों से फायदा नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। मिस्टर रितेश, दिस होटल आई थिंक शुड बी सोल्ड एंड आई सजेस्ट दैट दिस शुड बी आवर लास्ट मीटिंग। सबकी बात खत्म हुई, अब मैं बात करूं? मिसेस सदगुरु, सॉरी, ये कोई रोडशॉप होटल नहीं है कि अंडों का भाव बढ़ गया तो दुकान बंद करके भागे। ये रॉयल हेरिटेज ग्रुप है, किसी भी मुश्किल का सामना यही करेंगे। इस होटल में हो सकता मैनेजमेंट की कमी हो, इसलिए मैनेजमेंट थोड़ा 19-20 हो सकता है। सही मैनेजमेंट के लिए मैं नया GM अपॉइंट कर रहा हूँ और मैनेजमेंट की सारी खामियां भर दूंगा। उससे पहले हारने की बात प्लीज बंद कीजिए, प्लीज। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। हो सकता है हम फॉर्म में नहीं है बट क्लास को नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने क्या फैसला लिया है? मेरी जिंदगी अलग है, मैं उसे किसी कागज में लिखकर आपको नहीं समझा सकता। प्लीज मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, बैंक की मोहलत भी खत्म हो रही है, मैं जरूर जीतूंगा। सर बातें करना बहुत ही आसान काम है सर, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अभी आपको जितना भी वक्त चाहिए हम दे देंगे, लेकिन ये आखिरी मीटिंग है। अगर हमसे नहीं हुआ तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए सर, यही जेंटलमैन स्टाइल है सर। आई थिंक द बोर्ड इज ओवर। हेलो हेलो हेलो, मैं एंजल बोल रही हूँ। एंजल, हे एंजल, कैसी हो तुम? बहुत दिनों कोई मुलाकात नहीं हुई। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? माँ कैसी है तुम्हारी? अरे कौन से सोच में पड़ गई हो, माँ कैसी है यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छी है, लेकिन आप? हे आर यू सीरियस? मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानती? नो आई मीन इट्स ओके, गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें हमेशा फोन करते रहना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, बिजी था ना इसलिए तुम्हें बार बार फोन नहीं कर सकता था। एनीवेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। Excuse me, hello. क्या क्या मिलेगा? तंदूरी, चाइनीज, ये सब है सर। All right, 2 ग्रिल फिश। ओके सर। 3 शेजवान वेज नूडल्स और 2 वेज फ्राइड राइस और ये सब पार्सल कर दो। और अभी खाने के लिए पास्ता लेकर आओ। यस सर। सॉरी सॉरी एंजल, तुम क्या खाओगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कौन? एंजल, तुम क्या खाओगी ये पूछ रहा हूँ। सर प्लीज अपना नाम। ठीक है आप पास्ता लीजिए, मैं बाद में बताता हूँ। अपना नाम तो बताइए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम क्या खाओगी? मैं तुम्हें खाने तक वक्त देता हूँ, अगर तब तक तुम्हें याद नहीं आया तो बिल तुम पे करना, और अगर बता दिया तो मैं दे दूंगा बिल। डील ओके है ना? ओके सर। आप अर्जुन के दोस्त हैं? उसका नाम मत लो, गुस्सा आ रहा है। फालतू कहीं का, वो कोई आदमी है क्या? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो मत करो। अर्जुन, रिसेंटली किसी फ्रेंड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? फ्रेंड? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था। गर्लफ्रेंड नहीं बाबा, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? क्या तुम मुझे गे समझ रही हो? शिट, फोन रख। और कुछ चाहिए सर? पार्सल रेडी हो गया? रेडी है सर। ठीक है जल्दी लाओ। तब तक आप आइसक्रीम खाइए, मैं सोचकर बताती हूँ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पेट में जगह ही नहीं है।
वन सेकंड या ये तो श्रीमान 420 लगता है। कहाँ फंस गई? याद आया कि मैं कौन हूँ? सर, आप कौन है ये तो बताया नहीं। वॉशरूम में जाकर देखो, मैं कौन हूँ पता चल जाएगा। हसीये मत सर, 1800 रुपए और पार्सल भी ले गया। अरे छोड़ो, जाने दो, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा, समझ लो किसी भिखारी को दे दिया। इतने रुपए भीख में दूं? आप भी ना सर, एक बार बस वो मेरे हाथ लग जाए ना, तो गाड़ी के गियर की तरह उसे ऐसे घुमा डालूंगी ना। अरे क्या लड़का स्मार्ट है क्या? तू अपनी फोटो दे दे, दोबारा मैं उससे मिलूंगी ना तो तेरा फोटो देखकर तेरे घर पे उसे भेज दूंगी। एक बार बस वो मिल जाए। वहाँ क्या मीटिंग हो रही है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही आपस में। कंपनी बात करने के लिए पगार देती है क्या? इनको कैसे भी संभालना पड़ेगा। वहाँ क्या बात चल रही है? कुछ नहीं सर, सॉरी। सॉरी कहना बहुत आसान है, लेकिन बगैर कहे काम करना मुश्किल है। मैं एक छोटा मोटा आम मैकेनिक था और आज इतने बड़े शोरूम का मैनेजर हूँ। इससे क्या समझ में आया? दूसरा कोई आदमी नहीं मिला, ये बात है। हेलो, आपकी बात को मैंने सुन लिया। सॉरी सर, समझ गया। सर, आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हाँ सर। तुम झूठी तारीफ मत करो, समझ गई? मैं सच कह रही हूँ सर, आपकी हंसी और चेहरा देखकर हमारी उम्र की लड़कियाँ दीवानी होकर क्यू में खड़ी हो जाएगी सर। तुम मुझे क्या कंचा खेलने वाला बच्चा समझ रही हो? जाओ जाओ, अपना काम करो तुम लोग। ऑनलाइन परचेज देख कर फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट किए हुए फॉर्म को गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करो। ओके सर। ओके कहने तक 10 काम कर सकती थी, समझ गई? कैलेंडर का पेज भी चेंज नहीं किया, तू तो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। कैलेंडर में डेट फाड़ने से अच्छा है उस वक्त क्या काम किया है वो सोचो, वो बहुत जरूरी क्या है। क्या जरूरी है भाई साहब? मैं आपकी तरह 420 नहीं, मैं एक स्टार होटल में डिसेंट डेजिग्नेशन पे हूँ। देख रहे हो ना मेरा सूट? तू एक स्टार होटल में यूनिफॉर्म पहनकर काम करता है तो तुझे इतना गर्व है, और मैं उसी होटल में बिना यूनिफॉर्म के जा रहा हूँ तो मुझे कितना गर्व होना चाहिए। मेरे होटल में तेरा क्या काम है? जीएम। क्या पेपर में ऐड आई है यार? तुम क्यों फालतू कोशिश कर रहे हो? दोस्त, कृष्ण जयंती में मैं केक काटता हूँ, तो क्रिसमस में क्या मैं केक नहीं काटूंगा? तेरे होटल का जनरल मैनेजर हूँ, चल चल। बाप रे, पान की दुकान, किराने की दुकान, शराब की दुकान, ये छोड़कर और क्या जानते हो? फुल साइन क्या है समझते हो? गांव का हाफ बॉयल, पिंक हाफ, प्लान हाफ, ये सब तुम जानते हो? उत्तप्पा, मैसूर डोसा, इस तरह खाने के बारे में तुम जानते हो? एक स्टार होटल में जिम बनकर क्या कर लेगा, तेरी शक्ल जिम के लायक है? 10th फेल होकर भी MBA सर्टिफिकेट तू ला सकता है क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एम्ब्लेम का प्रिंट करना जानता है क्या? अंबानी के किए हुए दस्तखत का अपॉइंटमेंट ऑर्डर ला सकता है? ये सब मैं कर सकता हूँ, चलें कल। दास, मेरा MD तो इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है, कभी अच्छा मूड में रहेगा और कभी डल मूड में रहेगा, इस बारे में कोई नहीं जानता है। ज्यादा बात करने वालों से अच्छा ज्यादा सुनने वालों को ही दिमाग वाला समझता है, उसको भी संभाल सकते हो, लेकिन उसके साथ एक टकलू है, नाम सुब्रा। सुब्रा? नाम सुब्रमण्यम है, ये जमाने के हिसाब से नाम को छोटा करके सुब्रा रख लिया। मिस्टर मधु, होटल के काम में आपका एक्सपीरियंस कितना है? 6 साल। 6 साल में आपने 19 होटल में काम किया, ऐसा क्यों? मेरे ज्वाइन करते ही होटल बंद हो जाते हैं। फिर आप मुझे नहीं चाहिए, निकलो यहाँ। आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, नागालैंड की भाषा तुलु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ और भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश और ये सब लैंग्वेज के अलावा फॉरेन की लैंग्वेज भी जानता हूँ। इतनी लैंग्वेज जानते हुए यहाँ क्यों आए? स्टार टीवी, जी टीवी में तो काम मिल ही जाएगा आपको। बॉस किसी भी बात पर नहीं हिलेंगे और किसी के लिए कम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। अभी इस वक्त होटल बहुत लॉस में है। आप सच कह रहे हैं सर? मैंने अभी तक अपना सवाल खत्म नहीं किया। इस वक्त होटल बहुत लॉस में चल रहा है, अगर तुम इस वक्त GM की पोस्ट ज्वाइन करते हो तो ये लॉस कैसे संभालोगे? सर, लॉस में हुए इस होटल में मैं क्यों GM बनूंगा सर? देखो, तुम GM के पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक तरह से इंटरव्यू देना, नहीं तो MD रिजेक्ट कर देगा। सुब्रा, इंटरव्यू बंद करो। सर, सिर्फ एक ही कैंडिडेट बाकी है सर। जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम के लिए 2 सवाल पूछकर भगा दीजिएगा। डू समथिंग। ऑल द बेस्ट।
गुड मॉर्निंग सर. ठीक है पहले बैठ जाओ. यू आर राइट. आपका नाम? दास. मैं सुब्रा हूँ. एक होटल के जीएम को काम में कितनी तकलीफ होती है आप जानते हैं? उसे आप तकलीफ समझते हो इसलिए आप अब तक जीएम नहीं बन सके ऐसा लगता है. ये मजाक की बात है इस ऑफिस के बाहर. यहाँ सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. एक जीएम को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एमडी सवाल पूछ सकता है और आपकी तरह एमडी सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता. जहां इज्जत ना मिले वहां पर मैं काम नहीं करता. गुड. तुम इंटेलिजेंट हो ये तुम्हें खुद को नहीं कहना चाहिए. 5 मिनट के बाद यही कहेंगे कि मैं यकीन कर सकता हूँ. मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू पीटर डॉकर, अकॉर्डिंग टू धीरूभाई अंबानी, डॉक्टर डेमी, प्रोफेसर अरिंदम चौधरी या फिर अकॉर्डिंग टू मिस्टर दास. मिस्टर दास? कंपनी तो एक गधे की तरह है, आगे से काटेगा और पीछे से लात मारेगा. इसलिए साथ ही चलना चाहिए. कोई भी रिस्क लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और वो जो काम करेंगे वो सिर्फ काम नहीं होना चाहिए अनुभव भी होना चाहिए. कुल मिलाकर लोगों को खुला छोड़कर हिटलर की तरह राज करना चाहिए. साफ साफ कहो. मैनेजमेंट के बारे में कहकर कोई फायदा नहीं, करके देखना होगा क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता. ओह वाओ. कब ज्वाइन करोगे? मैंने ज्वाइन कर लिया है. ओके. स्पोर्ट्स कोटा में ये काम ले लिया है. उस जमाने में सबके पास घड़ी नहीं थी लेकिन वक्त था. आज सबके हाथ में घड़ी है लेकिन वक्त नहीं है. मैंने नहीं लिया सर. ए, वो तो यहाँ है. 5,000 रुपए का फॉरेन लाइटर है. डू यू नो इट? सच में मैंने नहीं लिया है सर. ए, झूठ मत बोलो, तुमने ही लिया है. क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम? सर वो क्या ना, आपके वेटर के यहाँ आने से पहले एक लाइटर यहाँ रखा था. रूम क्लीन करने के बाद वो लाइटर यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब क्या है? हमारा वेटर अंदर आने से पहले यहाँ लाइटर नहीं है. क्या सर, आप भी इसका साथ दे रहे हैं? आई एम सॉरी सर, हम हमारे स्टाफ को अच्छे से जानते हैं क्योंकि पेंटागन में काम करना और हमारे यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है. किसी को भी काम पर रखने से पहले हम सब फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं. आप ये कह रहे हैं कि लाइटर को छुपा के मैं झूठ बोल रहा हूँ? नो, लाइटर गुम हुआ होगा बट चोरी नहीं हो सकता. एक्सक्यूज मी सर, एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दीजिए. सर आप दे देंगे क्या? मुकेश सर, तुम जाकर अपना काम करो. ठीक है सर. सर आपका लाइटर 5,000 रुपए का हो या 5,00,000 रुपए का, यह सच में प्रीशियस बात है. ब्लैंक चेक जितना चाहे उतना लिखिए क्योंकि आपकी खुशी ही हमारी खुशी है. दास, आपने किस भरोसे पे उस वेटर का सपोर्ट करके ब्लैंक चेक देने के लिए कहा? सर जस्ट वेट एंड सी. Whatever. सर एक सिगरेट लाइटर के लिए ब्लैंक चेक देने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी सर, यू हैव अ गेस्ट. सॉरी सर. बोलिए सर, क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं सर, लाइटर पलंग के नीचे था, वो वेटर ने नहीं लिया, मुझसे ही गलती हो गई. ये लीजिए आपका ब्लैंक चेक. थैंक यू सर. आई एम वेरी सॉरी. आपकी जगह हम होते तो हमें बहुत टेंशन होती थी बट हमारे स्टाफ के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं. सही, इसी विश्वास के साथ आप होटल को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं. आई एम वेरी सॉरी. मतलब मुकेश ने लाइटर नहीं लिया. सॉरी सर, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं लेकिन मैंने ये चोरी की थी सर. क्या तुम सच कह रहे हो? यस सर, लाइटर है ना ये सोच कर लिया था लेकिन इतना महंगा होगा ये नहीं जानता था सर. गेट आउट. सर प्लीज, इसे मैं संभालता हूँ. दास ये चोर है. वो खुद मुंह नहीं खुलता तो हम नहीं जान सकते थे. चोरी करने वाले सब चोर नहीं होते लेकिन जब वो फंसते हैं तब वो चोर माने जाते हैं. कैसे भरोसा करें? गलती करने वाले को जब गलती का एहसास होता है तो वो आइंदा गलती नहीं करेगा. सर एक सिगरेट लाइटर के लिए ब्लैंक चेक देने की क्या जरूरत थी सर? थोड़े दिन इंतजार करो, तुम्हारे मुंह से भी दूध निकाल लूंगा. गुड इवनिंग. लगता है मीटिंग चालू हो गई है, मैं लेट हो गया. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग. रॉयल हेरिटेज ग्रुप में शामिल होने के लिए मैंने एक नया आदमी चुना है और वो है मिस्टर दास. इसी के भरोसे से अपने होटल को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं ये. जानती हो इसी होटल का जीएम बनने वाला है ये.
वो पोस्ट तो आपको मिलने वाली थी ना सर। ये बात आप जानती हो, लेकिन हमारे बॉस दिमाग वाले से ज्यादा बाल वाले पर भरोसा करते हैं। बस भगवान ने इतना ही दिया है। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। इंग्लिश में एक कहावत है, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन दास ने सेकंड चांस लिए बगैर बेस्ट इंप्रेशन पैदा किया है। अब से इस ग्रुप को चलाने वाला सारथी जीएम रॉयल हेरिटेज ग्रुप मिस्टर दास, यू टेक योर चार्ज। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम दास है। मैं भी इस परिवार में शामिल होकर बहुत ही खुश हूँ। दूसरों के पीठ पीछे कोई अगर काम करना हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वही काम मिस्टर रितेश ने बहुत अच्छी तरह से किया है। थैंक यू सर। हर काम भी एक कुरुक्षेत्र की तरह है, कृष्ण जिस तरफ रहेंगे उसी तरफ जीत होगी, और मैं कृष्ण की तरह हूँ। आप ये मत सोचिए कि हमें कोई ना कोई जिताएगा, लेकिन ये सोचिए कि हमें सबको जीतना है। ये समझ लीजिए, जीत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कांग्रेट सर। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। आपका काम क्या है, सुब्रा या चमचा? काम को संभालो। इसको लगता है मैं सिर्फ सर को छुपा सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा सकता हूँ। या कमिंग। हाय, आप तो मुझसे मिलने आई हो, और सर किससे मिलने आए हैं? हम दोनों को सिर्फ मिस्टर दास से मिलना है। दास, अंदर आइए। फ्लर्ट कर रहा है, सावधान रहना। क्या चाहिए, चाय या कॉफी? चाय कॉफी पीने की आदत हमें नहीं है। वो देने की आदत भी मुझे नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। जो आप बैठिए। चमचा लग रहा है, लगता है पागल है। दास, तुझसे मिलने के लिए खूबसूरत लड़की और एक अंकल आए हैं, जल्दी से आओ। इसका हॉलीवुड से कनेक्शन लगता है, और मैं इसको दबोचा हूँ। पास से जाकर देखो। वाह, एकदम जैकी चैन लग रहा है। वो फिल्म दशावतारम के फंक्शन में आए थे। हाँ, अर्नाल्ड वही है, टर्मिनेटर में भी काम किया था। यहाँ देखो, बीटरूट पार्ट टू किया था ना माइकल। सर, वो बीटरूट नहीं है, बीटेक है। फाइल दीजिए। चलो, कुछ भी हो। ना सर, ये वो दास तो नहीं है। सर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। पहले इसके लोन को कैंसिल कीजिए। क्यों कैंसिल करूं? हर महीने 1 लाख रुपए पगार ले रहा है, 16 लाख रुपए बैंक बैलेंस रखा है, और इसका अपना खुद का मकान है, आईटी फाइल भी मजबूत है। फिर मैं कैसे इसके फाइल को रिजेक्ट कर सकता हूं? मुझ पर यकीन कीजिए सर, अगर ये चाहे तो लोगों के आंखों से भी कॉन्टैक्ट लेंस चुरा ले। श्रीवन 420 है। सुनो, तुम फिल्में देखकर बहुत बिगड़ गई हो, थोड़ा कम फिल्में देखा करो। मैं कोई दिमाग से स्टोरी नहीं बना रही हूं, खुद ही देखिए ना, ये फोटोज कंप्यूटर पे बने हैं। देखो, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। इस महीने के टारगेट का फुलफिल करना ही पड़ेगा, जानती हो? तुम तो सुंदर हो, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? ये जगदीश अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छी तरह से जानता है। मैंने एक बार फाइल को वेरीफाई कर दिया तो कर दिया, बस। इसके बाद कुछ बोलूंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो। कोई बात नहीं सर, आई एम जगदीश, लोन वेरिफिकेशन ऑफिसर। मैं आपके कार के लिए आया हूँ, और ये जानता हूँ ये आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये मेरी कलीग है और टेस्ट ड्राइव के लिए आई है। क्यों सर, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? आप सीरियल आर्टिस्ट हो। सर, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपको लोन मिल गया है। सर, आप बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश कीजिए, और छोटी गाड़ी को हटाइए। नहीं सर, मुझे जो चाहिए वो काफी है, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं चाहता। सर, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। सर, टेस्ट ड्राइव के लिए जा सकते हैं। देखते ही चलाने का मन करता है। सर, बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार हमारी गाड़ी चलाइए तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे सर। अरे वाह, बहुत सुंदर है, देखते ही मन चाहने लग गया है। मैं उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग आप करेंगे? नो, बहुत दिनों से एक खूबसूरत लड़के से गाड़ी चलवा कर उसके बगल में बैठना चाहता हूँ। इसके लिए टेस्ट ड्राइव का प्लान है क्या? चुप बैठो यार। ठीक है, ओके। आप 60 या 80 में चला सकती है ना? 60 या 80। मैडम, इसको तो 90 पसंद है, तुम 90 में चलाओ। मेरे साथ गाड़ी में आएंगे तो 3 रूल्स फॉलो करना है। 1, जिसका दिल वाकई कमजोर है उसे पीछे बैठना होगा। 2, उल्टी नहीं करनी चाहिए। और रूल नंबर 3, कंपल्सरी सीट बेल्ट लगानी होगी। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें तो प्लेन के विंग पे खड़े रहने की आदत है। Come on, come on.
79 BHP, IRD, Intelligent Responsible Drivability. In other words, 4-cylinder, inline engine. धीरे चलो। अरे क्या कर रही हो? अरे मार डालूंगी क्या? अरे क्या कर रही हो? अरे धीरे चलो। अरे कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? Shock absorber sir, hydraulic. अरे बाप रे, मार डालूंगी क्या? संभाल कर चला। अरे 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 क्या कर रही है? Maximum torque 11.4 kgm at 4000 rpm. Tires, tubeless radio. सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट ड्राइव में तो उल्टी करने लग गया। अरे उस लड़की ने क्या ड्राइव किया? उसने ऐसा ड्राइव किया कि मेरे पेट की हथेलियां हिल गई। वो क्या अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रही थी? दास, मैं आपके ऑफिस टाइम को पर्सनली इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा फुल टाइम आपके साथ है सर। वो क्या है ना कि आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। आप कितने सालों से प्यार कर रहे हो सर? वाओ, आपने कैसे जाना? किसी से फोन पर बात करते हो तो फोन का चार्ज कम होता है, लेकिन प्यार भरी बातें करे तो फोन का चार्ज अपने चेहरे पे पड़ता है। आपके चेहरे पर दिख रहा है बॉस। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। मेरी यही ताकत है बॉस। कमजोरी? हमेशा पहली कुर्सी पर नजर। प्यार के बारे में क्या राय है? प्यार करने वाला भाग्यशाली है और साथ ही साथ दिमाग वाला भी। यू आर राइट। मेरी परी का नाम है देवी। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे स्वर्ग दिया है। वो रोज मुझे देखकर हंसती है, लेकिन प्यार का इजहार कभी नहीं किया। देवी तो एक्ट्रेस है ना? एब्सोल्युटली, मेरी होने वाली पत्नी। आपकी और उसकी जोड़ी बहुत जमेगी सर। मेरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन वही मेरी जिंदगी है। Hi honey, what a surprise! Hi darling, shoot कब खत्म हुआ? Just now यार, bore हो गई हूँ। Hero की एज पापा की जितनी है और कोरियोग्राफर तो जिम मास्टर बन गया था। वो कौन है जो आपके साथ है? दास, अपने होटल के नए GM। Oh, hi! नमस्ते। आप हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से बोल लेती हैं। हिंदी फिल्म करने जा रही हूँ ना, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है। दास मेरी तरह सोचते हैं, इसलिए मैंने इन्हें सिलेक्ट किया और तुमसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लेके आया। Your feelings are always right, dear. हे दास, हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? आपको खुश करने के लिए बोलूं या फिर सच बात बताऊं? पहले मेरे लिए बताइए। मेरे बॉस लकी है। बट सच क्या है? आप बहुत बहुत लकी हैं। रितेश, ये GM नहीं, नेक्स्ट CEO है। मेरा और देवी का एक ही दिन जन्मदिन है। मैं अक्सर जहाँ जन्मदिन के दिन जाता हूँ, वहीं देवी से पहली बार मुलाकात हुई। हैप्पी बर्थडे सर।
सर आपका और उनका जन्मदिन एक ही दिन है, नाम है देवी। ये हिंदी की बहुत बड़ी हीरोइन है लेकिन हिंदी कम जानती है। मेरी जिंदगी में बादल की तरह बहुत लड़कियां आती जाती हैं, लेकिन देवी को देखते मेरे दिल में प्यार की बरसात होने लगी। मुझे प्यार हो गया। मैंने कुछ पलों के लिए ही उसे देखा, उसके बाद अगले ही पल में उसने मेरे दिल को काबू कर लिया। वो मुझे उस अनाथ आश्रम में ऐसे मिली जैसे मुझे नया रिश्ता मिल गया। आप इन फूलों की तरह खूबसूरत हैं। हैप्पी रिटर्न्स एंड हैप्पी बर्थडे। मैं हमेशा इसी दिन यहाँ पर आता हूँ। आज ही के दिन इसी डेट पर एक वीआईपी का जन्मदिन है। आज यहाँ पर आना कैंसिल करने की फिराक में था, लेकिन अच्छा हुआ कि हमेशा की तरह यहाँ पर मैं अकेला ही चला आया, वरना मुझे अकेला रहना पड़ता। मैं समझी नहीं। हमारा बर्थडे एक ही दिन है तो मैरिज डेट भी एक ही होनी चाहिए। मैं एक एक्ट्रेस हूँ रितेश। एक्टिंग मत करो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जिस तरह हर रोज राशिफल आता है उसी तरह से लोग मेरे बारे में सोचते हैं। कोई भी एक एक्ट्रेस पर शक कर सकता है, पर मैं मेरी बीवी पर शक नहीं करूंगा। रितेश, दिस स्वीट इज फॉर यू। ये 50 ग्राम का स्वीट नहीं चाहिए, वो 50 kg का स्वीट चाहिए। मुझे फिल्म में भी शर्म नहीं आती। I love you. I really mean it. Please. कुछ पल मैं सोचता हूँ, प्यार से दर्द होता है, लेकिन यही दर्द सभी दर्द को भुला देता है, इसलिए ये दर्द पसंद है। प्यार ताकत है या कमजोरी मैं नहीं जानता। अच्छा हुआ मैं इसमें नहीं फंसा। दास, प्यार तो अंकुर की तरह बढ़ता है। कुदरत ने इंसान को ये चीज तोहफे में दी है। आप कहीं भी छुपने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्यार आपको ढूंढ ही लेगा, समझ गए? बॉस बॉस, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में इससे बड़ी थ्रिलिंग और खतरनाक बात और कोई नहीं है। दास, प्यार कीजिए लेकिन बेवकूफ मत बनिए। शालिनी, ए शालिनी, मैंने देखा तुम कहाँ देख रहे थे। तुम झूठ क्यों बोले जा रहे हो? ठीक है, मैंने देखा था लेकिन गलत सोचकर नहीं, सिर्फ उसके टी शर्ट के वर्ड्स को देखकर कहा था। और इसमें गलत क्या है शालिनी? जस्ट डोंट लाई, आई एम नॉट ए फूल। आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान मुझ पर बिल्कुल नहीं है। यू बिकमिंग ए चीट। मैंने कोई चीट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम मेरी भावनाओं को नहीं जानते हो। हाँ सही कहा, उसको ये जाने का वक्त कहाँ है। ए, तुम के बीच में टांग अड़ा रहे हो। इंसाफ के लिए कोई भी पूछ सकता है। आप ही बताइए सर, मैं इस पे कितना भरोसा करती हूँ। बिल्कुल जानता हूँ, तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे आंसू बता रहे हैं। ए, तुम अपना काम करो ना। बॉस, ये मेरा काम है। अगर मेरे सामने किसी को काटा चुभ जाए तो भी मैं रोने नहीं दूंगा। लुक शालिनी, हम दोनों के बीच में ये कौन है? चलो हम चलते हैं। छोड़ो मुझे, इंसाफ के लिए कोई भी लड़ सकता है। सर के सवाल का जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो ना। आप ही बताइए सर, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। और यह है कि मेरी सहेली को देखे जा रहा था वहाँ। तो वहाँ क्या है? हाँ सर, देख रहा था। ची 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 ची, ये क्या है सर? अगर मैं आपकी लवर को देखूं या फिर इस पर हाथ रखूं तो आपको अच्छा लगेगा? ए, हाथ रखा, हाथ रखा कह रहा हूँ ना। ए सर, आपने हाथ रखा तो जलन हो रही है। मुझे भी जलन हुई थी जब तुम उसे देख रहे थे। ए शालिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? बॉस बॉस, अगर आप लड़का हो तो अपने मन से कुछ भी कर लोगे क्या? सुनो शालिनी, ऐसे लड़के से प्यार करने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना बहुत ही अच्छा है। मैं क्यों मरूंगी सर? इसके सामने बहुत अच्छी तरह खुशी से दूसरे बॉयफ्रेंड से शादी करके जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तुम देखती रहोगी, मैं खूबसूरत लड़की को पटाकर प्यार करता रहूंगा, फिर तुम देखती रहना। ए चलट। देखा ना सर, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ आप जानते हो ना। वो गुस्सा होकर चला गया। इट्स ओके बेबी, चलो। सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। प्यार कंप्यूटर की तरह हैंग होता है, क्लिक करके रिफ्रेश करके चलते रहना चाहिए। मेरी लाइफ तो खत्म हो गई सर। अरे बाप रे, लाइफ तो सेलफोन की तरह है, हमेशा नए नए मॉडल्स तो मार्केट में आते ही रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ खाओगी क्या? एक पॉपकॉर्न दीजिए। हेलो, इधर आओ। मैं यकम, लव प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे इस लवर ने मुझे भी धोखा दिया है। What? सच कह रही हूँ, ये लवर ने श्रीमान 420 है, लड़कियों को फंसाकर उन्हें धोखा देता है। तुम भी बचकर रहना। कैसी बातें कर रही हो?
आफ्टर ऑल 1800 रुपए के लिए इसने मुझे चीट किया। मुझे जो कहना था कह दिया। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें इसी के साथ रहना है, इसी से शादी करनी है, तो बेहतर होगा कि तुम सुसाइड कर लो। छी, सही कहा तुमने। मेरे दोस्त के टी शर्ट को देख रहा था तभी पता चला कैसा लड़का है। बहुत फ्रॉड है वो। छी, आई हेट हिम। न्यूटन्स लॉ, सब एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात है, चलो मैं बताता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलो। ये लो मोबाइल, अभी जो होगा उसका वीडियो ले लो। क्यों? मैं गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? कौन मजाक कर रहा है? तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? तुमने कभी प्यार किया है क्या? मैं तुम्हारे 1800 रुपए वापस दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा प्यार वापस दे सकती हो? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम प्यार करके देखो, तभी उसका एहसास होगा। मैं तो उसके लिए जी रहा था, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा? ये लो पकड़ो, मैं मरने जा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके उसे दिखा देना, बहुत खुश हो जाएगी। दास, दास, रुको, दास, रुको। दास। सर सर, चोट तो नहीं लगी? संभाल, दास, संभाल। ये सब क्या है? क्यों इस तरह पागलों की तरह हरकत कर रहे हो? सर चश्मा। मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, कह के मुझे भी मार रहे हो। तुम ये बात नहीं जानती कि शालिनी क्या पूछेगी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम जिंदा क्यों हो, ये मुझसे पूछेगी। क्या कह रहे हो तुम? तुम शालिनी के बारे में नहीं जानती। वो रेस में शामिल होने के लिए कहेगी, सांप के बिल में हाथ डालने के लिए कहेगी, 10 माले से नीचे कूदने के लिए कहेगी। क्या ये बात जानती हो? मैं मरते वक्त भी शालिनी कहूंगा या माँ कहूंगा, ये बात जानने के लिए वो इतनी बड़ी साइको है वो? ये प्यार है। दास, मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन अंजाम ऐसा होगा मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत कुछ गलत कहा ना? कितने आराम से कहती हूँ कि गलत कह दिया। मरने वाले आदमी के दर्द को नहीं जानती? तुम मेरी जगह पर रहकर देखो कितना दर्द होता है, ये पता चल जाएगा। दास, I'm really sorry. Just give me 2 days, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हें और शालिनी को मिला दूंगी। इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व करूंगी। ये तुमसे हो सकता है? मैं वादा करती हूँ दास, लेकिन तब तक तुम दोनों कोई गलत फैसला मत करना। उसके बगैर मुझे हर मिनट भी हर साल की तरह लगता है, ये 2 दिन भी मुझे 200 सालों की तरह लगेंगे। प्लीज हम दोनों को मिला दो, और अगर ये तुमसे नहीं होता या फिर ये हो नहीं सकता, तो मेरे सामने खुदकुशी के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। दास, उसने ऐसा कर दिया पता है? एनीवे, उस लड़की को कैसे भी ढूंढना होगा। तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगी? मुझे भी पता नहीं, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी, यस, कैन आई टेक दिस? यस श्योर, थैंक यू। वो अगर मुझे मिल गई ना, तो उसे कैसे भी करके दास से मिला दूंगी। आई रियली फील बैड फॉर बोथ। हे, 1 मिनट। फेसबुक पे चैट करते हो तो मजा आ रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है। नाइस जोक, आप बुरा मत मानना प्लीज। आपने मुझे याद रखा है ना? अब तुम यहाँ क्यों आई हो? और मैं उसे भूल चुकी हूँ। टेंशन मत लो प्लीज। तुम जो भी सोच रही हो वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उस दिन उसने मुझे धोखा दिया ऐसा कह रही हो? वो तो मैंने मजाक किया था। ओ, वो मेरे लिए तुम्हें धोखा देगा और दूसरों के लिए मुझे धोखा देगा और तीसरी के लिए दूसरी को? ये धोखा देने वाली बात नहीं है, पैसों की बात है। पैसों की बात? ये तुम कैसे जानती हो? जानती हूँ इसलिए तो कह रही हूँ, सवाल मत पूछो। मैं उसे फोन करती हूँ, तुम उसे बात कर लो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। जिद मत करो शाली, उसकी तरह दूसरा कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओके, यस। हेलो, हेलो, एंजल बोल रही हूँ। बोलो एंजल। तुम्हारे लिए एक हैप्पी न्यूज है, मैं शालिनी से मिली, उससे बातें की। What? देखकर बात की थी? या मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी, वो समझ गई। लो खुद बात कर लो। ए, I'm sorry यार। उस दिन मैंने तुम्हें गलत कह दिया। तुम मुझ पे मरते हो ना? ए बेवकूफ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? उस दिन नाराज होकर तुम चली गई थी, आज किसी और के बीच में समझौता करवाने की बात कर रही हो? चेचे, तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिला क्या? इडियट।
17 से कोई कंप्लेंट नहीं है? उस दिन हमारे नए जीएम ने ज्वाइन किया था सर। गुड। उनके आने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग टू प्रमोशन ये सब इम्प्रूव हुआ है सर। 32% एडिशनल इनकम हुआ है सर। 32% तो कम है, जब मैंने सोचा उसे 50% ज्यादा आना चाहिए था। इट्स ओके, ये सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। स्टाफ को पेमेंट देने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा है सर। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात बैंक को मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर पता चली तो लोन सेटल करने के लिए बोलेंगे। इन पैसों की हमें उनसे ज्यादा जरूरत है, सो बैंक से हमेशा की तरह पैसा लेकर सैलरी दे दो। फिर भी हम एमडी से एक बार बात करें तो? जरूरत नहीं है। सीम्स टू बी अ ग्रेट डे। आप जरूर जीतेंगे, इसीलिए आपको काम दिया था। बट इतनी जल्दी जीत लिया कैसे? बेसिकली मैं आलसी हूँ सर, मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आसानी से जीतने के लिए मौका ढूंढता रहता हूँ। बैंक के प्रेशर को खत्म करके दूसरी मीटिंग से पहले हमारी कंपनी के फाइनेंशियल क्लाइमेट को चेंज करना है। जरूर सर, बहुत जल्दी हो जाएगा। गुड, थैंक यू सर। गो अहेड एंड रॉक। आई विल। गर्लफ्रेंड? नो नो। गुड, नहीं तो फोकस हट जाएगा। आई नो। हेलो। हेलो, मैं एंजल बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से पहले 1800 रुपीस का नुकसान हुआ और अब मेरा फोन गरम तेल में गिर गया। सिर्फ एक फोन के लिए तुम इतना टेंशन ले रही हो? मेरे तो 45 फोन चले गए हैं। अब वो इतनी बड़ी साइको होगी मुझे पता नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुमने ऐसा क्या कहा कि उसने मोबाइल फेंक दिया? तुम्हें तो दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरी दुनिया तो तुम ही हो। उससे मिलकर आपको मैंने उसे थैंक्स कहने के लिए कहा था, लेकिन वो तो नाराज हो गई। Oh my God, इतने दिनों तक तुम्हारी और उसकी दोस्ती कैसे बनी रही? मैं तो बाबा एक मिनट भी उसे झेल नहीं पाऊंगी। आप मेरे प्यार को नहीं जानती हैं। मेरा ये प्यार आपकी नजर में साइको होगा, लेकिन मेरी नजर में बहुत ही पवित्र है। प्लीज दास, ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, कोई और बात कर सकते हैं? मैं आपके पास आने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में शालिनी का स्पीड ब्रेकर लगा है। लगता है उसने कोई जादू मंत्र किया है तुम पर। प्यार अंधा होता है पता है, लेकिन दिमाग नहीं। अगर मेरी जिंदगी में शालिनी नहीं होती तो मैं आपको आई लव यू कहकर आपके पीछे घूमता, या फिर आपकी खूबसूरती पर मैं कोई ना कोई कविता लिखता। आप किसी भी चीज में कम नहीं है। यू आर रोमांटिक। व्हाट डू यू मीन? एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे कहा, अगर मेरी ये बातें सुनकर आपको कुछ हुआ होगा या फिर मेरे लिए आपके दिल में प्यार आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं साइको की तरह बिहेव तो नहीं कर सकती। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। एंजल, यू आर वेरी स्पेशल, शालिनी इज डिफरेंट। ठीक है, अब तुम शालिनी का एड्रेस दोगे? तुम्हें शालिनी का एड्रेस चाहिए? वन मिनट, हाँ लिख लो। नंबर 20, सेकंड एवेन्यू, गांधीनगर, अदयार। हेलो शालिनी, शालिनी, घर में कोई नहीं है क्या? चाहिए क्यों डर रही हो? शालिनी, वो तो मेरी बहन है, ऊपर जाकर मिल लो। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। अरे डर क्यों रही हो तुम? अरे मेरे साथ आओ ना, चलो। कौन है भाई? बहन की दोस्त है वो, उसे ऊपर लेकर आओ। चलो ना भाई के पास चलो। नहीं, चलो नहीं। ना चलना भाई के पास, जाना चल। अरे लड़की को तो लड़के को ढूंढना चाहिए। ये क्या है, लड़की को तो लड़के को ढूंढना चाहिए, लड़की को नहीं, ये गलत है ना? Oh!
भाग रही है। हेलो दास, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। दास मेरी बात सुनो, यहाँ पे कहाँ हो तुम? तुमने मुझे जहाँ भेजा है ना, यहाँ पे तीन चार लोग मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रे, किसको फोन कर रही है? चल फोन इधर ला। हेलो, कौन हो तुम? ए, तू क्या इसका दलाल है? क्या चाहिए तुम्हें? उसे छोड़ दो। हाथ आई लड़की को मैं नहीं छोड़ता हूँ, और तुझे क्या लगता है गोरी चिट्टी लड़की को मैं छोड़ दूंगा? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सोच ले तू। अपना काम करूंगा और उसको रिकॉर्ड करूंगा। ए, अगर तू एक बाप की औलाद है तो उस पर 10 मिनट के बाद हाथ रख कर बता। 10 मिनट में आएगा, आ जा। अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो वापस चले जाना, समझ गया? आ रहा हूँ मैं। क्या रे, हीरो आएगा क्या? भाई ये लड़की तो गोरी चिट्टी है, देखते ही मन बहक रहा है भाई, हाथ छूने के लिए तड़प रहा है। दो मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया, तो अब क्या आएगा? बहुत हो गया है, अब अपना काम शुरू करता हूँ। मुझे सिर्फ वही आदमी चाहिए जिसने इसको छुआ है, बाकी सबको जिंदा छोड़ देता हूँ। कौन है वो? ए, मैंने हाथ रखा था। मैंने भी हाथ रखा था। मैंने हाथ नहीं लगाया, लगाऊं क्या? Oh!
नमस्ते सर। नमस्ते। मिनिस्टर ने कहा था पार्टी के दो लोग आएंगे। मैं आनंद राव हूँ, पार्टी का सेक्रेटरी। और ये धनंजय। धनंजय को हम जैसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ बताइए क्या करना है। कुछ नहीं जेपी साहब, आपने हमारे मंत्री जी के बारे में आपके पेपर में गलत लिखा है, उसके बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। तो इसमें क्या बात करनी है? हमारे मंत्री जी के बारे में आपके प्रेस से कोई खबर नहीं आनी चाहिए। खबर नहीं आने के लिए आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है बता दीजिए। कैसी फॉर्मेलिटीज? आप तो जानते हैं इसमें कुछ है। ये रखकर आप हमारे मंत्री जी के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दीजिए, हम खुशी से चले जाएंगे। और कुछ कहना है? आप हमारे मंत्री जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप उनका ख्याल रखिए। उसी तरह आपके बैंक बैलेंस में कभी कमी नहीं होगी। अच्छा हुआ आप पैसे लेकर आए हो। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मंत्री जी के बारे में छापूं या नहीं छापूं। अब सोचना खत्म हो गया। छोटी खबर छापने के लिए 5 करोड़ रुपया देकर बाकी खबरें बंद करवा देंगे। ये राजनीति तो एकदम कीचड़ की तरह है। आप इतने बड़े आदमी हो, आप इसमें क्यों हाथ डाल रहे हो? ऐ, गंदे कीचड़ में हाथ डालने से हाथ खराब होता है। निकलो यहाँ से। तुम मिनिस्टर से जाके कह दो अभी जो बात की वो सीडीसी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है, अगले हफ्ते कलर फोटो के साथ पब्लिश हो जाएगी। जेपी, तुम भगवान से दुश्मनी रख सकते हो लेकिन राज करने वालों से नहीं। भगवान भी गलती करे तो मैं पेपर में छाप दूंगा। तेरा मिनिस्टर मेरे पैर की धूल है। मेरे लिखे हुए एक एक शब्द से तुम्हारा मिनिस्टर हिल जाएगा। जाओ। ए, दूसरी हेडलाइन जानते हो ना? हर गली में लड़कीबाजी करने वाला मिनिस्टर। क्यों डैडी, न्याय धर्म की बात कर रहे हो? आप तो 5 करोड़ रुपए हाथ से गंवा दिए। मिनिस्टर को फोन करो। डैड, रिंगिंग। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक्सक्यूज मी, हेलो। क्यों मिनिस्टर, शर्ट के बटन में लगे कैमरे ने तुम्हें रिश्वत लेते कैद किया है और तुम बैग में कैमरा लाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? बैग में कैमरा, ये मैं नहीं जानता। तुम्हारे लिए पहला वीडियो हो सकता है। मैंने तो 1000-2000 देखे। जितना पैसा मैंने तुमसे मांगा था उसे तुरंत ही दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने जैसे आदमी को भेजा तभी शक हो गया था। अरे वैसा कुछ नहीं है जेपी, लड़के लोगों ने खुद का दिमाग इस्तेमाल किया होगा। सुनो, मुझे रिश्वत लेते हो क्या, मैं रिकॉर्ड करके धमकी देना चाहते हो? अब मुझे क्या करना होगा? वो आर्टिकल बाहर नहीं आना चाहिए। देखो अब संभाल के, उनका दिमाग अब तेरी राजनीति दिमाग को खराब कर देगा। अब अपने आप को तुम अच्छी तरह संभाल लेना। आधे घंटे के अंदर पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। डैडी बैग में कैमरा था डैडी, तभी तो मुझे समझ में आया कि आप क्यों न्याय धर्म की बातें कर रहे थे डैडी। चैम्बर इलेक्शन का काम कैसे चल रहा है? नॉमिनेशन शुरू हो गया डैड, 6 तारीख को अच्छा शुभ मुहूर्त का दिन है
और हम उसी दिन नॉमिनेशन कर देंगे। 16 साल से यूनियन पोस्ट से जीत रहा हूँ, फिर नॉमिनेशन की क्या जरूरत है? इस साल रॉयल हेरिटेज का एमडी रितेश आपसे मुकाबला कर रहा है, कल वो नॉमिनेशन भरेगा। मेरा मुकाबला? कौन है रितेश? छोटा लड़का है डैड, जाने दीजिए उसको, वो खुद हार जाएगा। कांटे को बढ़ने से पहले काटना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगा। उसे फोन करो। रिंगिंग। हेलो रितेश, है क्या? कौन है बे? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? ए, सिर्फ आवाज से पहचानने के लिए तू प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री? कौन बोल रहा है? जेपी। कौन जेपी? कलेक्टर या गवर्नर? लगता है तेरा दिन खराब है। ओहो, तू तो फोन पे भविष्य भी बताता है क्या? चल चल फोन रख, मुझे बहुत काम है। कौन है वो? सर उसका नाम दास है, उस होटल का नया जीएम है। शाम को 7 बजे के बाद हॉट ट्रैक पब में मिलता है सर। ए, सर यही दास है। तुम तो टिंगू हो, फिर अकेले क्यों खेल रहे हो? हार जाने का डर लग रहा है इसलिए अकेले खेल रहे हो? डर? सामने वाले का खेल मैं साथ में खेल रहा हूं। सामने वाले से बिना खेले मेरी जीत होनी चाहिए, यही मेरी आदत है। मुझसे टकराने के लिए 7 जन्म लगेंगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये अच्छी तरह जानने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। क्यों धमकी दे रहे हो? सच तो धमकी जैसा लगेगा, सिर्फ डरने वाला ही जी सकता है। अभी तुम बच्चे हो, बहुत सालों तक तुम्हें जीना है। चैम्बर इलेक्शन से रितेश को वापस आने के लिए बोलो। नहीं लिया तो? तेरे जैसे 1000 लोगों को मैंने देखा है। मुझ जैसे 1000 लोगों को देखा होगा लेकिन मुझे नहीं देखा होगा। हाँ देखते हैं। सुनो, हम दोनों फिर मिलेंगे। उस कंपनी की सारी कुंडली निकालो, अब मैं बताता हूं कि शनि कैसे लगता है। कितनी बार तुम्हें समझाया होगा कि कार लेफ्ट साइड से चलाया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं। दास प्लीज थोड़ा चुप बैठो। मैंने शालिनी को देखा है। तुम उसे क्यों देखने के लिए गई थी? दास मैंने शालिनी को किसी के साथ देखा है। कौन कैसे जाए तुम्हें उससे क्या? तुम अपने आप पर ध्यान दो ना। मैं सच बोल रही हूँ दास, मैंने शालिनी को किसी और लड़के के साथ घूमते देखा है। उसकी बात तुम मत करो। तो फिर तुम छोड़ दो। प्लीज उसके बारे में बात करना बंद करो। उसकी बात क्यों ना करूं दास, मुझे कैसे भी तुम दोनों को मिलाना ही है। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे टेंशन होता है। पहला प्यार हमेशा हार जाता है, लेकिन अगर लोग उसी प्यार को समझ जाए और दोबारा कभी प्यार ना करें, यही सच्चाई है। इसका मतलब तुम्हारा पहला प्यार हार गया, लेकिन मेरा पहला प्यार कभी नहीं हारेगा। कौन है वो? तुम हो। मैं बेशर्मी से कह रही हूँ, आई लव यू। अपने दूसरे प्यार को खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही। तुम्हारी और शालिनी की जोड़ी मुझे वाकई में पसंद नहीं। जिंदगी तो खुशी से जीने के लिए है, झगड़ा करके मरने के लिए नहीं। तुम ये मानो या ना मानो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं क्या करूँ जो तुम्हें यकीन हो? अगर मैं खून से लिख कर दूं, तब तो यकीन होगा ना? खून से नहीं चलेगा, मुझे किस दो ना। You dirty rascal! Congratulations, you've been shortlisted in the auction on Malaysia, and must be there on 25th of April without fail.
Yeah. Great. We should have arrived. See you in Malaysia. Sir, please. बॉस अंदर मीटिंग में बिजी हैं। किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया है। मुझे भी। सॉरी सर। Mr. Edward, yes. Meet my general manager, Mr. Thummer. Mr. Nice Thummer. To see you, sir. So nice to meet you. My pleasure. I'll catch up with you in Malaysia. Sure, sir. Stay ready. Yeah. Take care, see sir. Nice to see you. Yeah. Fine. Nice, sir. ये लोग कौन है, बॉस? आओ, बताता हूँ. ये है मलेशिया का यानयान पैलेस. ये बाहर से जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत अंदर से है. ये बिल्कुल ताजमहल की तरह है. दूर से फोटो खींचने के लिए भी लोग तड़पते हैं. और अब ये नीलाम होने जा रहा है. बहुत ही खूबसूरत है बॉस. मुकाबला करने वाली कंपनीज इंडिया का सेंसेक्स बदलने की ताकत रखती हैं. इसमें पर्टिकुलरली CS ग्रुप ऑफ कंपनी, पैसा, बिजनेस, बैकग्राउंड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब में ये हमसे 100 गुना आगे हैं. यही है इस ग्रुप का MD. CS नाम से ही पुकारते हैं. इनका एक एक पल भी कीमती माना जाता है. जवाहरलाल नेहरू जेब में गुलाब रखते थे, वैसे ही ये सक्सेस को अपनी जेब में रखते हैं. मिस यूनियर कॉन्टेस्ट से मैच फिक्सिंग तक सब में इनका संबंध होता है. नोट के पीछे भागने वालों के बीच में से एक ऐसे शख्स है जो देश प्रेमी है. ज्यादा टैक्स भरने के लिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं. ये कंपटीशन में शामिल हुए तो कैप पर CS लिखते हैं. CS का मतलब सिर्फ चंद्रशेखर नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंटली सक्सेसफुल. ये मेरा दुश्मन होने के बावजूद मैं इसे बिजनेस गुरु मानता हूँ. समझ गए दास? बॉस, आपको राजमहल चाहिए तो CS को जीतना होगा. उससे मुकाबला करते हैं. हाय, क्या हुआ? मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई. क्या कह रही हो? ए, अपने आंसू क्यों बहा रही हो? उस दिन टेस्ट ड्राइव करते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस बार मोबाइल पर बात करने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया. बस यही बात है? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई और तुम कह रहे हो कि... अरे इसमें तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वापस तुम्हें उसी शोरूम में काम मिल जाएगा. कोई चांस नहीं. तुम उस मैनेजर के बारे में नहीं जानते. वो बहुत खतरनाक है. क्यों? वो तुमसे कुछ गलत सलत करवा रहा है क्या? नहीं, आज तक उसने अपनी वाइफ के साथ भी गलत नहीं किया है. इतना अच्छा आदमी है. कौन है वो? नाइस शॉट. थैंक्स. ये भाई नीचे गिर जाएगा. एक ग्लास 120 रुपए का है. डरो मत, ये नहीं गिरेगा. गिरेगा तो तुम देगा क्या? तुम कितना भी पी लो, बिल मैं दे दूंगा. पैसा देगा? अपने को पैसा वाला समझते है. ए भाई, मैं तेरी तरह मुफ्त में पीने वाला नहीं हूँ. तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो. दिस वन, दिस, सो दिस, विस्की. बहुत अच्छा है. तुम उंगली को नचा रहे हो? तुम क्या रिंग मास्टर के बेटे हो? नाइस जोक. क्यों भाई, तुम ग्लास को सीधा नहीं ले सकते हो? आपका नाम उदय कांत, 10 साल से कार कंपनी में काम कर रहे हो. मैकेनिक थे, अभी मैनेजर बन गए हो. आपकी एक औरत और 2 बच्चे हैं. दूसरा बच्चा आपकी तरह नहीं दिखता. पहला लड़का 8वीं में पढ़ रहा है और दूसरा लड़का 5वीं में. आपके अंडर 60 लोग काम करते हैं लेकिन कोई आपको इज्जत नहीं देता. कॉलेज के दिनों आपको प्यार हुआ था लेकिन वो दुबई में एक शेख के साथ सेटल हो गई है. लेकिन अभी तक उसे भुला नहीं पाए हैं इसलिए उसकी फोटो को भगवान की तरह पर्स में रखा है. Am I right? अरे भाई, तुमने तो ज्योतिष की तरह मेरे पर्सनल मैटर से पॉकेट मैटर तक की सारी बातें बता दी. मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे?
तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा है और हमेशा बार बार गुस्सा आता है, है ना? इसने कहा? अगर गुस्सा आए तो उसे अपने अंदर रखो, काम में मत दिखाओ। फालतू में स्टाफ को डांटना और उसे काम से निकालना ये सब छोड़ दो, इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। समझ गया, तुम 984/420/420 है, एंजल का लवर है ना तू? इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, मुझे पता है। आप अपनी कीमत बताइए, क्या है? पैसा, सामान या लड़की? करेक्ट है। ए भाई, तुम्हारा नाम क्या है? दास। एंजल को काम से नहीं निकालने के लिए कितना पैसा देगा? 1,00,000 रुपए। 1,00,000? 50,00,000 रुपया दिया तो भी उस एंजल को काम पे नहीं रखने वाला, और कोई रखा तो मना कर दूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारा 1,00,000 रुपया बोनस तो गया। क्या बोनस? जैकपॉट मिले तो भी मैं काम के लिए धर्म के लोहे की तरह मजबूत हूँ, हमेशा सच्चाई पे चलता हूँ। तो फिर आप बता सकते हैं कि एक्सीडेंट क्यों होता है? ए भाई, मजा करना बंद कर, हम तो शराब में आयुष के बदले ईमानदारी के न्याय को मिलाकर पीते हैं, समझे? क्या बात है, तुम जैसे आदमी की दुनिया को बहुत जरूरत है। चलता हूँ। ये तारीफ कर रहा था कि मजाक कर रहा था? ये एप्पल नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड। हाय गर्ल्स। हाय। अरे आपकी तो कोई भी इज्जत नहीं कर रहा है, फिर क्यों इस तरफ आ गए हो? ए, मैं किधर भी आ जा सकता हूँ मैम। आप जवाहरलाल नेहरू हैं क्या जो चारों तरफ आ सकते हैं? मेरी कानों ने सुन लिया। सुनने के लिए ही कहा था। इज्जत नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। पहले से ही आपकी नौकरी चली गई है, निकल जाओ इधर से। ए, तुम क्यों मेरे सीट पे बैठी हो? हेलो, मैंने कहा था ना आपकी नौकरी चली गई है। क्या मुझे हटा दिया? अभी मैं सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ। अरे उन्होंने ही आपको नौकरी से निकाला है। क्यों सर, आंसू क्यों बहा रहे हो? इस दुनिया में अच्छे आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये तेरा ही काम है। या मैं आपको 1,00,000 रुपए देकर काम पटाने की सोच रहा था, लेकिन आपके चीफ ने 50,000 रुपए लेकर आपको इस नौकरी से हटा दिया। यही है दुनिया की सच्चाई। इस दुनिया में नो वैकेंसी का बोर्ड ज्यादा लगा, ये जानते हो ना? अच्छा एडवाइस है, ये किसी को भी मत देना वरना सीजन में भी बारिश नहीं होगी। कूल कूल, आपको इस जगह पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, हमें आपकी जरूरत है। नहीं, फिर मेरी इज्जत कम हो जाएगी। कमाई ज्यादा हो तो इज्जत में कमी चल जाती है। मेरी कंपनी में सिंसियरली और ईमानदारी से काम कीजिए, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी आपको। चलिए बैठिए। मुझे सोचना पड़ेगा। कंपनी आपकी कोई इज्जत नहीं करती, फिर भी आप यहाँ पर इतने साल टिके थे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आगे आपकी मर्जी। आपकी कंपनी में ईसी और पीएफ है ना? हर महीने बोनस भी मिलेगा। चलिए बैठिए। सर, अभी जिस आदमी का फोन आ रहा है उसे आप जरूर सुनिए। हेलो। हेलो दास, एक खुशखबरी है। क्या हुआ, तुम्हें वापस काम पे रख लिया क्या? हे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम इतना खुश होकर जो बात कर रही हो। तुम्हारे लिए एक और हैप्पी न्यूज है, मैं चीफ सेल्स ऑफिसर बना दी गई हूँ। और पहले जो यहाँ था उसे निकाल दिया। मेरे टैलेंट को देख कर ओवरनाइट ने मुझे चीफ ऑफिसर बना दिया। एंड दास, आई एम सो हैप्पी। और जो पहले वाला चीफ ऑफिसर था ना, उसे रातों रात निकाल दिया गया। आई एम डबल हैप्पी। ओके, हम शाम को मिलकर बात करते हैं। अगर कोई भी काम दिल से करो तो सब अच्छा ही होता है। ओके दास, मुझे बहुत काम है। वो उल्लास ने कितने फ्रॉड किए वो सब मुझे चेक करना है। ओके, लव यू, बाय। सच्चाई का जमाना नहीं है, मुझे तुमसे 1,00,000 ले लेना चाहिए था। कूल बॉस, हम सीधे बार में जाएंगे और एक पैग लेंगे, वो भी विदाउट आइस। फर्ज और ईमानदारी मिलाकर दे दो। मुझे तो ये बहुत ही फालतू काम लग रहा है बॉस। क्या है? इलेक्शन में जीतने वाला ही हराने वाले को मुबारकबाद देता है। तो फिर हार के डर से घर के कमरे में बंद रहे हैं? बॉस ऐसी बात नहीं। दास, जेपी से मुकाबला करके हारने वाला बहुत डरपोक है, मैं उन लोगों से बहुत इज्जतदार हूं। चलो। Congratulations, Hello. JP sir. Continue your success. Thank you. Bye. Bye-bye.
हेलो रितेश। कांग्रेस जेपी सर। सर तुम में मुझे मुबारकबाद देने के लिए इतनी हिम्मत आ गई? आप मुझसे मुबारकबाद सुनेंगे इतनी औकात आपकी होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। जो नहीं होना चाहिए हो जाएगा तो मजा आएगा ना। ए रितेश पापा खड़े हैं ना, क्यों फालतू में खड़े हो रहे हो? तुम हार जाओगे? तुम्हें हारने का ज्यादा ही शौक है क्या? मैं हारने के लिए मुकाबला नहीं करता और हार की चिंता कभी नहीं करता। मुकाबले की जीत मर्द की मर्दानगी नहीं साबित करती। तुम्हारे पापा कम से कम मर्द तो बनेंगे। तुम मेरे से मुकाबला करने से अच्छा उस दाढ़ी वाले डायरेक्टर से मुकाबला करो, वरना परी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। जेपी सर दिस इज टू मच, आप मेरी पर्सनल लाइफ में टांग मत अड़ाइए। क्या है पर्सनल लाइफ? मेकअप करके आएगी तो तुम्हारा बेडरूम भी न्यूज रूम बन जाएगा। जेपी दिस इज द लिमिट। क्या मैं लिमिट पार कर रहा हूँ? कौन है वो छोटा लड़का? दास है सर। हाँ उसने तो लिमिट पार कर दिया। मिडनाइट मसाला में तो तेरी परी देवी के गाने होते हैं ना। तुम एक काम करो, दूसरे इलेक्शन में साथ लाओ, जीत जाओगे। बॉस नहीं बॉस, यहाँ कुछ मत कीजिए, बाद में देखते हैं। चुपचाप से चलते हैं यहाँ से, मीडिया वाले यहाँ पर खड़े हैं, कुछ करना नहीं है। चलिए मेरा बॉस मेरे भगवान की तरह है, वो तेरी बलि मांगेगा तो भी दे दूंगा। जेपी तू मेरी मार को नहीं जानता, सिर्फ दर्द का ही एहसास होता है। गेट आउट। सर बैंक से रीजनल हेड आए हुए हैं, उनको बिठा दिया है। कहाँ है आपके एमडी? आपकी लोन डीलिंग्स के लिए मैं इंचार्ज हूँ। अबे सभी साहब शुरू से कर दे क्या? जरूरत नहीं है मिस्टर किशन, पिछले 6 साल से आपने डाले हुए 24.32% इंटरेस्ट से लेकर आपके रोज इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम तक मैं सब जानता हूँ, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। 6 साल पहले आपने 12 करोड़ रुपए मुद्दत ली थी, आज उसी के ब्याज के साथ 64.8 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर इस होटल की कीमत से कंपेयर किया जाए तो 6 में से 1 हिस्सा इन्हीं पैसों का है जो हम अभी तक कमा कर उधार पूरी तरह से चुका नहीं सके हैं, यही सच है। गुड। फर्ज के लिए या उधार चुकाने के लिए हमारे बॉस ये होटल नहीं चला रहे हैं, ये उनका ख्वाब है और हमें थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत वक्त दे दिया सर, अब नहीं दे सकते। एटलीस्ट 6 महीने का वक्त दे दीजिए, आपका सारा उधार मैं सेटल कर दूंगा। दास अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की जरूरत नहीं, लास्ट वुमन बैलेंस शीट से सब पता चलता है, बट हमारे लिए 6 महीने का वक्त देना मुमकिन नहीं। यू सी टेक्निकल बैंक ईयर एंडिंग का समय है, तो इसलिए हमारे लिए आपकी फाइल को क्लोज करना जरूरी है। सो कैन यू गिव अस द फाइनल टाइम? मैक्सिमम 2 मंथ्स। 60 डेज और 60 करोड़ रुपए चुकाने, वरना मजबूरन इस होटल को जब्त करना पड़ेगा। क्या सुब्रा ये सब कैसे हुआ? मैं नहीं जानता हूँ, रात भर पिए होंगे, वो मुझे सुबह होश में नहीं दिखे। उनके घर से मुझे इन्फॉर्मेशन आई और मैंने हॉस्पिटल एडमिट किया। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं सर आप बैंकर्स मीटिंग में बिजी थे। व्हाट सुब्रा ये कोई रीजन है क्या? अभी कैसे है? नथिंग सीरियस, ये डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर अब वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा पी लिए थे इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हुआ, उल्टी करनी चाहिए थी, बट ये ओवर प्रेशर में है तभी तो बेहोश हो गए। नाउ ही इज ओके, 1 डे रेस्ट के बाद आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। बट उनको अकेले मत छोड़ना, ये तो सुसाइड अटेम्प्ट का पहला स्टेप है, सावधान रहना।
कैडेट, बहुत अच्छा, सुपर, माइंड ब्लोइंग, बॉलीवुड में एक नंबर की हीरोइन बनोगी, ये मैं बोल रहा हूँ। डायरेक्टर तो इंग्लिश फिल्म देखकर बिगड़ गया। महेश, हाँ रेडी सर। इधर आओ। कहिए सर। नेक्स्ट शॉट में वाइड एंगल ब्लॉक लगा दो, समझ गए? अभी ये शॉट लेने की जरूरत क्या है सर? तेरा प्रॉब्लम अलग है और मेरा प्रॉब्लम अलग है। सबको फिल्म से प्रॉब्लम होता है, लेकिन यही फिल्म प्रॉब्लम बन गई है। वो क्या है ना, फिल्म शुरू होने से पहले रूम बुक करने के लिए कहता है। अच्छा, लेकिन लड़की डुप्लीकेट इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। बाप रे, तो मैं कैसे करूं? बॉस के बारे में आपसे बात करनी है। रितेश के बारे में? यस, हम काफी समय से साथ में हैं। इतना काफी नहीं है, सारी जिंदगी उनके साथ रहना पड़ेगा। जरूर दास, यही तो है प्लान। अगर यही प्लान है तो तुरंत इस्तेमाल करना होगा। क्यों? बॉस अकेले रहेंगे तो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। कल उन्होंने ज्यादा पी ली थी, मुझे सुसाइड अटेम्प्ट लग रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों शादी कर लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता दास, इस वक्त मैं 3 फिल्में कर रही हूँ, शादी तो अभी कर ही नहीं सकती। और वैसे भी शादीशुदा एक्ट्रेस को कोई भी पसंद नहीं करता, इससे 3 फिल्मों का नुकसान होगा। So, आपका प्रॉब्लम शादी करने में नहीं है, लेकिन वो बाहर मालूम पड़ने से है, am I right? Yes, 100%. ठीक है, ये बात बाहर लीक नहीं होगी। आप तुरंत बॉस से शादी कर लीजिए। बॉस को अभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कमिटमेंट चाहिए। उन्हें बस इतना भरोसा हो जाए कि आप उनका ख्याल रख रही हैं। प्लीज। ये है एंजल, बचपन में ली हुई फोटो है। ये एंजल का चाचा है, अभी वो दार्जिलिंग में रहता है। ये स्कूल में पढ़ते थे तब की फोटो। आपके पास अभी की कोई फोटो नहीं है सर? आजकल कौन घर में फोटो रखता है, सब हॉटमेल और फेसबुक पे अपलोड करते हैं। सही है, सही है। बचपन से इसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। जस्ट अ मिनट। आइए, आपका घर है। क्या है ये? ऑफिसर जल्दी बुलाया था ना, देर क्यों लगी? मैं सेल्स ऑफिसर बन गई हूँ माँ, यूँ अचानक छुट्टी लेके नहीं आ सकती। ठीक है, बातें बंद करो, जल्दी से साड़ी पहन कर आओ। ऐसा क्यों? ठीक तो हूँ मैं। अब ये लोग कौन है जो यहाँ पर आए हैं? तेरे शोरूम गया था, तुझे देखा तो पसंद आ गई, इसलिए तुमसे शादी करने आए। अब चल। अब... बेटा कॉफी। लड़की को देख के होश उड़ गए, कॉफी ले लो बेटा। थैंक यू। मुझे देखने के लिए तुम इतनी देर से यही कह रही हो माँ? शादी के बाद कहते तो देरी होती, शादी के पहले बता दिया ना। हेलो। हेलो दास। बोलो एंजल। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं क्या? आएंगे नहीं, वो लोग आ चुके हैं। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। थैंक्स दास, लव यू। मेरा दामाद गाड़ी सिलेक्ट करने गया था, लेकिन घरवाली सिलेक्ट कर ली। दामाद जी, लड़की से अकेले में बात करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, चाय कॉफी पीने की तरह आजकल वो भी फैशन हो गई है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज मैं बात करूंगा। हमेशा बड़बड़ करते हो। शोरूम में मैंने तुम्हें देखते ही तुम ही मेरे बेडरूम में होने वाली लड़की बनोगी। वाह रे वाह। मुझे 40,000 रुपए पगार है और तुम्हें 20,000 रुपया। कमाल की बात है वाकई में। ये तुम्हारा रूम है? या। बहुत अच्छा है। हाय। ये कौन है? इसको छोड़ो, शादी के बाद सिर्फ आपको ही पसंद करूंगी। ये आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है? आप मुझसे बात करने आए हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन दूसरी जगह क्यों? मैं सुबह उठकर नहाकर, कॉफी बनाकर, खाना बनाकर, रात को आपके सोने तक घर के जितने भी काम है वो सब काम मैं खुद कर दूंगी, फिर मैं सोऊंगी। ओके चलेगा ना? नहीं तो ओके बोलिए ना। सर की सोच देखकर तो लग रहा है कि ये इस रिश्ते को ओके कर ही देंगे। शादी मैं करूंगा और मजा तू लेगा क्या? आपको क्यों टेंशन हो रहा है, ये कब आएगा कब जाएगा उससे आपको क्या? वो यहाँ आने जाने के लिए घर है या क्वींसलैंड है? दीदी, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है? मेरे चेहरे में बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? क्यों सर, आपकी लड़की ऐसी ही है क्या? वो तो ऐसी ही है, अपनी माँ की तरह। सुनो, मैं आपकी तरह देखकर ये सब कुछ देख नहीं सकता, समझे ना, क्या आदमी हो यार। दीदी चलो चलते हैं, ये जगह हमारे लायक नहीं है। क्या हुआ दामाद जी, कोई समस्या है क्या? मैं पसंद नहीं करता हूँ बस। क्यों? क्या हुआ बताओ तो। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है दीदी, आप चलो बस। गवाह का दस्तखत करने वाला कौन है? दास, आप साइन करो।
फ्रेंड है या रिलेटिव है? मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचते हैं ये, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे अच्छे से समझते हैं, और मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है। कांग्रेचुलेशन बॉस। हेलो, मैं उल्लास हूँ, आर्टिस्ट देवी का मैनेजर बोल रहा हूँ। नो नो, 2013 तक उनकी कोई डेट्स नहीं है। ओह, साड़ी का ऐड है क्या? ओके ओके ओके। मैडम, आपके पास साड़ी पहनाने के लिए कोई है क्या? मैनेजर? यस मैडम, यस मैडम। साइन करो। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। शादी की सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बॉस और मैडम यहाँ आए हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो सर्विस लिफ्ट से आएंगे। आज अपने इस होटल को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दो। ओके सर। सुब्रा, इस रूम में कौन है? इस रूम में कोई नहीं है। कोई तो है। हाँ बोलो। कौन है तुम, यहाँ क्या कर रही हो? सर ये तो अपने स्टाफ है। ये अपॉइंट कब हुई? 2 हफ्ते हो गए सर। हिंदी जानती है ये? जानती है सर। फिर तुम बात क्यों कर रहे हो? बात करने के लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए। गेट आउट। सर रूम चेकआउट हो गया इसलिए। आई से गेट आउट। सर ने बोल दिया ना, चलो निकलो यहाँ से। कर दिया आप लोगों ने? हाँ, एक नहीं 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स जाली है,
एड्रेस गलत, शहर गलत, नाम गलत, सब गलत। सर वो लड़की हमारे सवालों का सही जवाब दी थी सर। क्यों? आप क्विज प्रोग्राम कर रहे थे या इंटरव्यू ले रहे थे? बुलशिट, वो क्यों आई थी, क्या करेगी, ये सब जानना जरूरी है। वो क्या कर लेगी सर? उसे तुम्हें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन तो रखनी चाहिए ना, क्यों नहीं रखी तुमने? ऐसी बात नहीं है सर। तो कैसी बात है, बोलो कैसी बात है? कुछ हो ना हो लेकिन इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, उसके बगैर तुम्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? सर एक लड़की ने गलती की थी। सुब्रा, ये सस्ते वाला होटल नहीं, 5-star होटल है। सॉरी सर। माफ करने वाला इंसान हो सकता है लेकिन जीएम नहीं बन सकता। अगर उस लड़की की वजह से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, आज तो बहुत खुश लग रही हो, लगता है काम हो गया। आपके लिए अच्छी खुशखबरी है सर। क्यों रितेश, शर्मा रहे हो या घबराहट हो रही है? डर रहा हूँ। क्यों, अब हम पति पत्नी हैं, फिर क्यों डर रहे हो? आज तक मेरे पास कोई बड़ी कीमती चीज नहीं थी, मेरे लिए तुम अनमोल हो, तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। बाप रे, ये इमोशनल बातें सुहागरात में नहीं करनी चाहिए। फिर क्या बात करनी चाहिए? बाहर जो बातें नहीं कर सकते हैं वो बातें यहाँ करनी चाहिए। गुलाब जामुन की तरह अच्छी खबर मिल गई, 30 दिन तक हम टीवी पे टेलीकास्ट कर सकते हैं। दास ने मुझे देख लिया है सर, लगता है वो हमारे बारे में जान गया है। जान लिया तो अपना काम हो गया। देवी और रितेश की शादी इतनी बड़ी न्यूज है क्या सर? हाँ, तुमने तो चंदन की लकड़ी दी थी, उसमें से वो चंदन बना सकते हैं, लड़की भी। समझी नहीं। सुबह के अखबार में देखो। मेरे लिए सरप्राइज है क्या? Wait till sunrise. दास, 4 बजे एक प्रेस मीटिंग अरेंज करो। क्यों बॉस? हमारे शहर में बड़ी बातों की न्यूज़ नहीं बना करती लेकिन छोटी बातों की न्यूज़ जरूर बनती है। मेरी शादी के फोटोग्राफ्स प्रेस में देने हैं। बॉस, आप एक बार सोच समझकर फैसला कीजिए। मैंने एक बार फैसला कर लिया तो बाद में सोचता नहीं। दिस 4 बजे प्रेस मीटिंग अरेंज करनी थी, तुम यहाँ रस्सी बांध रहे हो। दास, हटाओ उसे। आपका वजन कितना किलो है बॉस? क्या बकवास कर रहे हो? बस आपका वजन ही तो पूछ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ लिया तो आप बता नहीं सकते। प्रेस मीटिंग का क्या हुआ? 4 बजे नहीं, 4:15। 15 मिनट लेट क्यों है? मुझे 4 बजे काम है, मैं सिर्फ 4:15 काम कर सकता हूँ। I said 4:00 sharp. चार बजे की प्रेस मीटिंग में आउट नहीं देंगे। क्या कर रहे? दास, 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 क्या कर रहे? खोलो, आह
आइए मैडम। सिस्टर, एमडी को कहाँ एडमिट किया है? राइट से पहला रूम। भाई हम जा सकते हैं? इतनी ट्रैफिक में आप लोग पुलिस से पहले कैसे पहुंच गए यहाँ? सर, पुलिस तो हमेशा आखिरी वक्त में ही आता है ना। लगता बहुत ज्यादा फिल्में देखती हो। आप लोग यहाँ एक हफ्ता पहले से आए हो क्या? कांड होने के बाद ही पुलिस आएगी। तो सुनिए, आप लोग अपना काम करें और पुलिस को अपना काम करने दें। कैसे हैं डॉक्टर? पोजीशन तो काफी क्रिटिकल है, लेकिन जान का कोई खतरा नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ डॉक्टर, आप मेरे से कुछ भी छुपाइए नहीं, सच सच बताइए। नो सेंटीमेंट। मिस देवी। सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप कौन हो? सर या फादर? मैं उनका मैनेजर हूँ सर। मुझे मैडम से बात करनी है। सर, मैडम अभी इस हाल में नहीं है कि उनसे आप कोई सवाल पूछिए। ये पहले से ही तूफान की तरह न्यूज फैल गया है, और आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की शादी हो गई है। क्या शादी हो गई है? बाप रे, कहीं भी बम फटेगा तो भी कोई न्यूज नहीं आएगा, लेकिन इनकी न्यूज तो एक हफ्ते तक आएगी। सर, एक्चुअली हम खुद प्रेस को बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये हो गया। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उससे पहले हुआ था या उसके लिए हुआ? क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रेस मीटिंग रखने वाले हैं इसलिए धमकी देके। सर, ये दोनों लवर्स हैं सर, उसने खुद प्रेस मीटिंग के लिए कहा था। मैं सिक्योरिटी को टाइट करता हूँ, इनको आप घर ले जाइए, मैं घर पे आके इंक्वायरी करता हूँ। सर, मैं इस वक्त उनको कैसे ले जा सकता हूँ? सर, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी, समस्या हो जाएगी, आप घर ले जाइए, मैं संभाल लूंगा। मैडम, पुलिस का प्रेशर ज्यादा है, आप रितेश को देख कर जाइए। मैडम, अपने बारे में प्रेस में छपे हुए सनसनीखेज न्यूज की वजह से खुदकुशी करके अपनी जान को खतरे में डालने वाले रॉयल ग्रुप ऑफ हेरिटेज होटल के मालिक रितेश इस वक्त सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ संबंध रखने वाली फेमस हीरोइन देवी से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और पुलिस इंक्वायरी अभी तक चल रही है। रॉयल हेरिटेज होटल से कैमरामैन के साथ 360 डिग्री चैनल से मैं रीटा। हादसे वाले दिन यहाँ कौन था? मैं था। मैं का मतलब? सुब्रा। क्या सुब्रा? सुप्रा नहीं सर, सुब्रा, सुब्रमणी। बेल की आवाज सुनकर मैं रूम में गया तो वहाँ सर रस्सी में झूल रहे थे, मैं तुरंत बचाकर उन्हें बाहर लाया। अच्छा अच्छा, तो वो मरना चाहते थे और उससे पहले बेल बजा के उन्होंने तुमको वहाँ बुलाया? सर, सुसाइड करते वक्त बेल कैसे दबाई ये मैं कैसे जान सकता? तुम तो डबल मीनिंग में बात कर रहे हो। वो नहीं, वो सर एक्चुअली ये पकड़ो। ऐसा लगता है कि खुदकुशी करते वक्त उन्होंने पैर से बेल लगाकर दबाया, ऐसा लगता है। हाँ, दबा सकता है। ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए था। सर क्यों सर, फिर आप कहेंगे ये सब बात कैसे जानते हो, फिर आप मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। पूछताछ करने के लिए तो हम आए हैं ना यहाँ पे। एमडी के साथ हमेशा कौन रहता है? दास, वो तो हमारे न्यू जीएम है सर। हादसे वाले दिन आपके नए जीएम कहाँ थे? वो तो रेस्ट पे गए हैं सर। अभी वो कहाँ है? आपके एमडी के साथ जीएम का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्टर शंकर और आर्टिस्ट रजनीकांत की तरह है सर, इसकी बात वो मानेगा। फिर वो फांसी लगाने के लिए बोले तो फांसी पे लटक जाएगा? सर, वो फांसी में लटकाने के बारे में पूछ रहे हैं या फांसी में लटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, आप 3 महीने तक उनसे बात नहीं कर सकते।
क्योंकि सर्विकल क्रैक की प्रेशर और वोकल कॉर्ड कंजस्ट होकर बहुत क्रिटिकल हो गया है। सो उनकी इस कंडीशन में हम आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। फिर मैं कब उनसे इंक्वायरी करूं? सॉरी सर, वी आर हेल्पलेस। पुलिस अपने आप को क्या समझती है? किसे पूछकर हमारे ऑफिस में आया है? एनी प्रॉब्लम सर? तुझे अरेस्ट करने के लिए आया है। व्हाट? देखता हूँ वो तुझे कैसे अरेस्ट करते हैं। गायत्री को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता सर। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए न्यूज को बदल कर देना कोई गुनाह नहीं है, नहीं तो हमेशा की तरह माफी मांग लेंगे। हेलो सर, मैं एडवोकेट भूषण बोल रहा हूँ। ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। अभी हम कोई भी कदम उठाएंगे तो वो नुकसान पहुंचा देगा। आपके लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाएं तो आप भेज दीजिएगा, हम सब कुछ कोर्ट में देख लेंगे। बेल पिटीशन को मूव करा दिया है। और कोई रास्ता नहीं? सॉरी सर, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों ही बड़े वीआईपी हैं, आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैं सब संभाल लूंगा। गायत्री तुम पुलिस के साथ चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं सर? न्यूज मैंने दी थी और टीम ने क्रिएट किया था, फिर मैं पुलिस के साथ क्यों जाऊं? तुम अभी डरो मत, मैं कहता हूँ जाओ, तुम्हारे पीछे हमारा लीगल टीम आएगा। तुम भी एक लड़की हो, क्या लिखना चाहिए ये नहीं जानती क्या? आप थोड़ा इज्जत देके बात कीजिए। बेडरूम में कैमरा रख के न्यूज कवर करने वाली तुम्हें हम इज्जत क्यों देंगे? इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिज्म। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे सेक्सी पिक्चर दिखाने के लिए पोस्टर में भगवान की तस्वीर लगा के पब्लिक को बेवकूफ बनाना। हम अपना काम कर रहे हैं। फिर तो हम भी अपना काम करेंगे। सर आप हमें अपना काम करने क्यों नहीं देते? स्टार होटल में वेश्यावृत्ति का काम उन दोनों ने किया, गलती नहीं मानी तो कैसे चलेगा? क्या गलत है और क्या सही है हम भी जानते हैं। आपके वीआईपी लोग करे तो सही और दूसरे लोग करे तो गलत, यही कहना है ना? ए, तुम सही को गलत दिखा सकती हो लेकिन हम गलत को सही तरह से करते हैं। क्या गलत है और क्या सही है ये तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। तेरी गलती की वजह से रितेश ने खुदकुशी करने की कोशिश की और हॉस्पिटल में है। खुदकुशी तो डरपोक लोग करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आदमी ऐसा फैसला लेगा? खामखा उल्टी बातें मत करो। किस कारण से वो दोनों वेश्यावृत्ति का काम कर रहे थे? क्या शादी करने वाले एक साथ नहीं रह सकते? फिर क्यों चोरी छुपी ये सब कर रहे थे? सुनो, मंदिर और रजिस्टर ऑफिस में हजारों लोग चुपके से शादी करते हैं, वो सब वेश्यावृत्ति करते हैं क्या? ये कैसे लिख सकते हैं कि वो दोनों रूम में एक साथ थे? तुम लोग उसका वीडियो बना करके उसको वेश्यावृत्ति का नाम दे रहे हो, ये कैसा न्याय है बताइए? आइए सर, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था कि अब तक आए नहीं। जमानत के पेपर रेडी? तैयार है सर। देखे ले जाइए। जाइए, किस होटल में किस बेडरूम में कैमरा रखेंगे सोचो, और गलती से कहीं अपने बेडरूम में मत रख देना नहीं तुम फंस जाओगी। सर दिस इज क्रॉसिंग योर लिमिट। तुम मेरे लिमिट के बारे में नहीं जानती, मुझे क्रॉस करने की कोशिश मत करो। चुपचाप से इस केस में मेरा साथ दो। तुम लड़की हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस जिंदगी में इंसान को भगवान ने नाक और दिल को बिना हड्डी का बनाया है, समझी? सही इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तुम ये गलत लिखना छोड़ दो, सही लिख के नाम कमाओ। डॉक्टर ये कब उठकर बात करेंगे? इस हालात में उठ के बात करना उसके लिए अच्छा नहीं है, ये बेहोशी भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। That's why he is under treatment. और कितने दिन तक ऐसे रहेंगे? हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से 2 महीने लगेंगे, ठीक है? डॉक्टर उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? शायद नहीं होगी और ऐसा कभी नहीं होगा। दास ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, सब अच्छे के लिए हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं रहूंगा बॉस को कोई तकलीफ नहीं होगी। लॉयर ने जो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं उसमें देवी के दस्तखत ले लो। क्या डॉक्यूमेंट्स? इनकी तरफ से केस कराने के लिए है। अभी आप बात को समझ गए ना? केस नंबर 2712/2010 श्रीमती देवी और श्रीमान रितेश, इन दोनों ने अपनी इज्जत के लिए मानहानि के दावे का केस किया है।
जेपी जिनका पूरा नाम जयप्रकाश है और गायत्री देवी जो इनकी वकील है, मैं उनसे बोलता हूँ कि वो केस को शुरू करें। इस पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी। पहले वकील रामनाथ से सत्य का प्रमाण ले लीजिए। कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करना मतलब कोर्ट की बेइज्जती करना है। सॉरी सर, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस गायत्री, आप कितने सालों से रिपोर्टर का काम कर रही हैं? 6 years। ये चुटकुले, कहावत, हंसी, हेडलाइन, कथा, कविता, ये सब अलग अलग है, आप जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब सिखाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सब आप जानते हुए भी एक शादी को आपने क्यों वेश्याकृति का नाम दिया? मैंने तो बदल के नहीं लिखा था। आपके एडिटर जेपी ने बदल कर लिखा है। देखिए सर, हमें बेडरूम में फोटोज मिले थे, ये रखकर हम ये न्यूज छापे थे, फिर वो हस्बैंड वाइफ उनकी शादी के बारे में क्यों चुप थे? शादी करके छुपाएं और बाहर नहीं बताएं, ये कानून के मुताबिक गलत नहीं है योर ऑनर। ये गलती हमारी नहीं है सर, चाहे तो 2 शब्द लिखकर माफी मांग लूंगी। 10 सेकंड देर हो जाती तो रितेश जिंदा नहीं बच सकता था, ये आप जानती हो? शादी किए हैं, ये सच है तो न्यूज देना चाहिए, तो दोनों छुपा क्यों रहे थे? शादी तो हर धर्म में पवित्र मानी जाती है, 2 जाने मिलकर तीसरी जान को पैदा करने के लिए इस समाज ने दिया हुआ ये लाइसेंस है। हमें शादी के फोटोज मिलते तो हम मुबारकबाद की न्यूज देते सर। औरों के बेडरूम में कैमरा रखने का आपका क्या हक बनता है, बताइए आप? मैं एक रिपोर्टर हूँ। इस प्रोफेशन को आप कलंक मत बनाओ, न्यूज़पेपर तो इंसान के दिल की तरह पवित्र है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग इसे कचरा बना देते हैं। रितेश के साथ देवी की शादी हो चुकी है, ये आप जानती है या नहीं? नहीं जानती हूँ। ये झूठ है। ये सच है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप बिल्कुल झूठ कह रही हैं। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप क्यों भगवत गीता देखकर मुझसे सत्य का प्रमाण ले रहे हैं सर? आप अपने मन से आर्गू कर रहे हैं सर। बहुत चालाकी से बात कर रही हो। वकीलों से ऐसे ही बात करते हैं सर। 15th मॉर्निंग, शादी की रिसेप्शन के लिए होटल में शादी के बुके का ऑर्डर किया और उस बुके की आपने ही डिलीवरी ली थी। यस ऑफ कोर्स, बट जब शादी हुई थी हम वहाँ पे नहीं थे। क्या इतने फूल आए थे, क्या कोई फंक्शन था, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानती हो? नहीं जानती। और फिर आपके कहने के मुताबिक होटल में फर्स्ट नाइट वीडियो टेप का टेप मिला और उसकी वेश्यावृत्ति ही रही है, ऐसा लिखा राइट? वो फर्स्ट नाइट टेप है ये मैं नहीं जानती थी, मुझे लगा वो वेश्यावृत्ति का टेप है। ओके, लेकिन उस टेप में ऑडियो नहीं है। ऑडियो फाइल तो करप्ट हो गया था, हमें सिर्फ वीडियो ही मिला था सर। आपने जानबूझकर ऑडियो फाइल को काट दिया, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आप जो कह रहे हैं वो गलत है सर। ऋषि डॉक्टर, डॉक्टर इन्होंने मूवमेंट किया था। हेलो, कहिए डॉक्टर। अपने इस खेल को खत्म कीजिए आप, रितेश को होश नहीं आएगा, ऐसा झूठ बहुत दिनों तक नहीं बोल सकते हम। और एक हफ्ता संभाल लीजिए। मिस्टर दास, आप हमारे बारे में सोचिए, नेक्स्ट वीक डॉक्टर टीम जर्मन से आ रही है और ये असिस्टेंट कमिश्नर के टॉर्चर को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। अभी मैं समझ गया, जस्ट वन मोर वीक। ओके, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, जो आपने पैसा दिया था उससे ज्यादा काम कर चुके हैं हम, और आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। उस वीडियो टेप से हमने ऑडियो फाइल को रिकवर कर लिया है और जब हमने जेपी को दिखाया तब वो कह रहा था कि ये फाइल, खुद उसी ने ऑडियो फाइल को करप्ट करने में गायत्री का हाथ है, ऐसा उसने कहा। नो, कोई चांस नहीं है। पति पत्नी के पवित्र संबंध को रहस्यमय तरीके से वीडियो बनाकर उसे वेश्याकृति का नाम दिया, ये गलत लिखकर खुद काम करके प्रेस वालों की जानकारी के बगैर अपने प्रमोशन के लिए उसने ये वाहियात न्यूज अखबार में छाप दी। 80 साल की बूढ़ी भी एक आदमी को सामने देखकर दुपट्टा सही कर लेती है इस देश में, लेकिन ये लड़की तो इस देश की औरत के नाम पर एक कलंक है और इसे कोई भी माफ नहीं करेगा। बस कीजिए, मैं साफ साफ बताती हूँ, उन दोनों की शादी हुई थी ये बात मैं जानती थी, लेकिन न्यूज बदलने को जेपी ने कहा था। अब नाटक क्यों कर रहा है मैं नहीं जानती। That's all your honor। मिस गायत्री, अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ। सेक्शन 1, वीडियो टेप से हमने कोई भी ऑडियो नहीं रिकवर किया। सेक्शन 2, आपने जेपी को बिल्कुल धोखा नहीं दिया, आपके मुंह से सच्चाई जानने के लिए ये सब झूठ मैंने कहा। अभी आपको
समझ में आया? सत्य प्रमाण वकील क्यों नहीं लेते? पहले गुनाहगार बनता है जेपी उर्फ जयप्रकाश और उनका साथ देने के लिए मिस गायत्री। इन दोनों ने मिलकर श्रीमान रितेश और हीरोइन देवी के बारे में गलत लिखने की वजह से रितेश ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसका कारण गायत्री है, लेकिन गायत्री ने ये काम सिर्फ जेपी के कहने पे किया था, इसलिए गायत्री को 50,000 रुपए जुर्माना और दूसरा गुनाहगार है जेपी, जिसने रितेश की बेइज्जती करने का जुर्म किया है। इस जुर्म के बदले कोर्ट उन्हें ये आदेश देती है कि वो रितेश को 65 करोड़ रुपए अदा करें। और ये कोर्ट गायत्री और जेपी को ये आदेश देती है कि वे पैसा तुरंत जमा करें। कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ है? ए, गाड़ी चलाओ। क्यों भाई, मिठाई बांटने की तरह उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया? इसने कोर्ट में इमोशनल होकर सच को मान लिया था। यह वकील रामनाथन का प्लान है, उससे बात करवाई, उसका आर्गुमेंट नहीं। समझ रहे हो बात? मैंने 1 करोड़ रुपए देकर 65 करोड़ वसूल किए हैं। क्या कह रहे हो? रामनाथन क्या, राम जेठमलानी भी आते तो भी उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। कैश देकर मैंने इस केस को खत्म कर दिया। So, रितेश, you are absolutely fine. Well, आप डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकते हो। सुब्रा, दास कहाँ है? मलेशिया गया है। हाँ सर, होटल ऑप्शन में अभी भी 1 घंटे बाकी है सर, हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं सर। दिलीप सर, वो राजमहल अपने को ही मिलेगा ना? कंपटीशन तो टफ है सर। सक्सेस का रास्ता हमेशा कठिन होता है, इसलिए हमें शॉर्टकट जाना होगा। सही करने वाला ही लीडर होता है, और किसी को सही करता वो बिजनेसमैन है। Who am I? You are a businessman. That's right. राजमहल अपना होगा। Bye.
I welcome you all on behalf of Kim Tom Yong and Queen Diwara. In another 15 minutes, our tender will be open to all. This is not just a palace, this is a landmark of Malaysia and an icon of our culture, miniature of heaven. The auction will go on now and the result would be announced in an hour. Before we begin, let's take a look at the 3D presentation of the palace. डिग्री एंगल, जमीन से 5.5 फीट हाइट, लेफ्ट कॉर्नर से 4.7 फीट सेंटर, वही अल्ट्रा कॉस्मेटिक कैमरा है, सेंसर में मत फंसना, पेपर में लिखा हुआ हर अक्षर बराबर दिखना चाहिए। मुझे इंतजार था कि तेरे जैसा कोई आए। कैमरे की मदद से दूसरों की अमाउंट के बारे में जानकर उससे ज्यादा एक रुपया लिखकर ऑक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हो। प्लान तो करेक्ट है आपका, बट एग्जीक्यूशन बहुत गलत है। ये क्या कह रहे हो? ऑक्शन के लिए आए हुए 16 लोगों में से 4 लोग लेफ्ट हैंड के आदी हैं। 4.7 फीट हाथों से लिखने वालों का अमाउंट तो पता चल ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखने वालों की अमाउंट को उसकी पीठ छुपा देती है, और इसीलिए 4.3 में सेंटर करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड का अमाउंट पता चलेगा। This beautiful palace goes to मैं जिंदा रहूंगा, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बॉस, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है? गुस्सा नहीं, खून पीने का दिल कर रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। बॉस, मेरी बात तो सुनिए। मैंने तेरे गले में हार पहनाया था, लेकिन तूने मेरे गले में फांसी का फंदा दिया। मुझे लटकाने वाले तुम थे, इसलिए मुझे आज भी दर्द हो रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हार को झेल सकता हूँ, लेकिन धोखे को नहीं झेल सकता।
मैंने 10 सेकंड में मौत को मिस कर दिया, लेकिन तुम्हें कभी भी मिस नहीं करूंगा। तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मेरे पीठ में खंजर क्यों घोपा? तुम पैसे के लिए अपनी माँ को भी धोखा दे सकते हो। बॉस, मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जीना है तो मुझे मारोगे क्या? तो मर जाओ, मरना ही है ना। जो चाहत पूरी नहीं होती और जो लक्ष्य पूरा नहीं होता उससे अच्छा तो मौत है। अभी आप जो जी रहे हैं इसका अर्थ पता है आपको? आपके होटल का ख्वाब 65 करोड़ रुपया उधार चुकाना है, वो तो मैंने चुका दिया। और तो और, आप राजमहल का ख्वाब देख रहे थे, वो भी मैंने आपके लिए खरीद लिया है, इसलिए मैंने मरवाने का नाटक किया। अगर सच में आपको मारने की सोचता तो आपके पैर के नीचे बेल नहीं रखता, समझ गए? आपको बचाना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? यही गुण सारे बड़े आदमियों के पास है, आधा सुनना, आधे में आधा समझना और कुछ भी नहीं सोचना, लेकिन रिएक्शन तो दो गुना दिखता है। आप फांसी लगा लीजिए बॉस, अगर ऐसा इस दोस्त ने आपसे कहा तो आप लगा लेते? नहीं लगाते, इसलिए मैंने आपको फांसी लगाई आपके होटल के लिए, और इसी वजह से आपको पूरे 65 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन आप नहीं समझोगे। तेरा दिमाग बहुत कीमती है, इस दिमाग को मैं बुलेट से नहीं फोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तू उस राजमहल को भूल जा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये आपके लिए गर्व की बात है, लेकिन मेरे बॉस के लिए ये एक लक्ष्य है। तेरी तरह एक आदमी को तेरा बॉस झोपड़पट्टी को चाहता है? अगर तू मेरे साथ रहे ऐसे हजारों पैलेस खरीद सकते हैं। मेरे लिए तो ये पैलेस ही बहुत बड़ा है, इसे छोड़ दीजिए। तुम तो एक 420 हो, ये अच्छा आदमी का नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ मैं 420 हूँ, लेकिन जिसके पास पैसा है मैं उसी को लूटता हूँ। तो इतनी गरीबी में क्यों काम कर रहे हो? भरोसा देके धोखा देना तुम्हारा बिजनेस है? मेरे बॉस मुझे नौकर नहीं समझते, अपना दोस्त समझते हैं। हमारे रिश्तों के बारे में बताने के लिए इस दुनिया में लफ्ज नहीं है, बहुत कीमती है हमारी दोस्ती। इसलिए तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीछे हटने को बोल रहे हो? आप पीछे हटिए या पैलेस खरीद लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं पीछे हटने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो वो कैमरा तुम्हारे लिए काम करेगा। रितेश, ये लो तुम्हारी चाहत का राजमहल। तुम्हारी चाहत का राजमहल तुम्हें मिल गया, राजमहल तुम्हारा है और राजा मेरा। बॉस मुझे एडवाइस तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। ये 2013 साल है, यहां अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग वाले की जरूरत है। जो हारता है उसे दुनिया याद नहीं रखती, जीतना है, हर रोज जीतना है। अच्छा आदमी जिएगा, लेकिन दिमाग वाला उसे जीने नहीं देगा। टेक केयर।